हरे कृष्णा क्लास टेन, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी क्रीड़ा में। तो मस्ट डू 50 की सीरीज चल रही थी, उसके रिगार्डिंग हमने काफी चैप्टर्स कर लिए। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, मतलब आपके एनसीईआरटी एग्जाम, आपके पीवाईक्यू, आपके जो आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल है, इन सबका कलेक्शन, यहाँ पर खास कलेक्शन जो है मैंने आप लोग के लिए किया है। तो आज हम करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, डिमांड बहुत ज्यादा थी। हर कोई बच्चा कह रहा था कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर मस्ट डू 50 क्वेश्चन बनाइए, तो आज वीडियो उसके लिए ही होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ की नीड है तो ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर मैंने आपसे आंसर भी पूछे, उन क्वेश्चन का आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर दिया करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, बुरी लगती है तो क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूं उसको बताया करो, बट यस फीडबैक जरूर दिया करो। ना आपका कीमती समय बर्बाद किए, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, विदाउट टाइम वेस्ट फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, द 11th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। आपके पास एपी दे रखा है, 11th टर्म क्या होगा। चाहे बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, दोनों के लिए बहुत कारगर सीरीज है। इससे पहले मैं दो चैप्टर या तीन चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो ये सीरीज को ध्यान से आप लोग देख लें, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि सर हम स्टैंडर्ड से तो क्या काम होगा, बेसिक से तो क्या काम होगा, दोनों के लिए बिल्कुल मस्त सीरीज है। पहला कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। अगर आपके पास एपी दे रखा हो, देखो जब भी आपके पास एपी दे रखा हो तो आपको ए पता चल जाए, डी पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाता है। तो लिख लो पहले, ए जो कितना आ गया, ए आपका माइनस का 5 आ गया। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो ध्यान रखना दो माइनस है तो उसका प्लीज़ ध्यान रखना, आप लोग को जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना, नीचे वन लगाओ। कितना आएगा, माइनस का 5 प्लस में 5 जो 10 अपॉन में 2 जो कि आपका आ गया, प्लस का 5 अपॉन 2 ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हमें 11 टर्म बोला, एन आपको 11 दे रखा है, मतलब आपको ए 11 निकालना है। ए 11 मतलब एक कम डी होता है, मतलब ए प्लस पे 10 डी हम लोग को निकालना है। ए कितना, माइनस का 5 प्लस 10 डी कितना है, 5 अपॉन 2 आपका डी दे रखा, ठीक है। तो माइनस का 51 प्लस में कितना होगा, 2 से काट दोगे, 5 से 5 25 निकल के आ गया। तो 25 में से 5 गया 20, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितनी तारीफ की जाए प्यारे प्यारे बच्चों की उतनी कम, बी बिल्कुल सही जवाब इसका निकल के आएगा, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन टू, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, पहले 4 टर्म निकालना है। उस फर्स्ट टर्म आपको माइनस का 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी आपको माइनस का 2 दे रखा है, तो आपको 4 टर्म बताने हैं। अब एपी के जो 4 टर्म है वो कैसे कैसे होते हैं बताइए। ए होता है, ए प्लस में डी होता है, और ए प्लस 2D होता है, और कॉमा ए प्लस 3D, यही तो होता है इस तरीके से, है ना। तो ए कितना, ए आपका माइनस का 2 है। दूसरा ए प्लस डी निकालना है, तो माइनस का 2 प्लस पे माइनस का 2 जो कि आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 4 निकल के आ गया। तो माइनस का 2 माइनस का 4, और ए प्लस में 2D निकाल लेते हैं, तो माइनस का 2 प्लस में माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया आपके पास, माइनस का 2 माइनस का 4 जो कि माइनस का 6 निकल के आ गया। तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 ऐसे चलता रहेगा, माइनस का 8 माइनस का 10, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये सीरीज में जो कलेक्शन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लास्ट 10 ईयर, और उसके बाद आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल सबका कलेक्शन लिया। तो निश्चिंत होकर इस सीरीज को एकदम कहते हैं ना बेस बना के जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट 3 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। If second term of an AP is 13 and 5 term of is 25, तो 7 term क्या होगा। कह रहा है सेकेंड टर्म दे रखा है 13 दे रखा है। सेकेंड टर्म 13 का मतलब होगा A प्लस में D, एक कम D होता है आपका, 13 इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। कह रहा है फिफ्थ टर्म A 5 आपको 25 दे रखा है। A 5 मतलब A प्लस में 4D जो है आपको वो 25 इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर सुंदर सी लाइन खींचनी है, उसको सॉल्व करना है। अब माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, A से खत्म हो गया, D में से माइनस का 4D, तो माइनस का 3D आएगा, और ये आपका माइनस का 12 निकल के, अगर D जो है आपका प्लस का 4 हो जाएगा, अगर D आपका प्लस का 4 हो जाएगा तो इसमें पुट करते हैं A वाले में, ठीक है। तो A प्लस में 4 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो A आपका 13 में से 4 जाएगा, तो A हमारा 9 निकल के आ गया, तो A 9 आ गया, D 4 आ गया। 7 टर्म निकालना, A7 क्या होता है, A प्लस में 6D होता है, तो 9 प्लस में 6D आपका 4 हो गया, तो 6 4 24 प्लस में 9 कितना हो गया, 33 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल करने में यकीन नहीं रखता मैं।
फटाफट सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो यूट्यूब पे सुविधा है, आप उसको थोड़ी स्पीड कम करके देख सकते हो, पर देखना जरूर है। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म 210 होगा? क्या वाला क्वेश्चन है? एपी का कौन सा टर्म आपका 210 होगा? मतलब अगर मैं बात करूँ अगेन वही, ए कितना आ गया 21 आ गया, डी कितना हो जाएगा 42 माइनस में 21, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो 21 आ गया। कौन सा टर्म एक 210 होगा? होगा मतलब ए एन दे रखा है, तो ए एन आपको 210 दे रहा है। कौन सा टर्म मतलब एन आपसे पूछ रहा है? बहुत सिंपल फॉर्मूला लगता है, ए एन क्या होता है? होता है ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन 210 है, ए आपका 21 दे रखा है, प्लस पे एन माइनस वन, डी कितना है 21 दे रखा है, इस तरीके से। ठीक है, तो 210 में से 21 जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 21 निकल के आएगा। अब 10 में से 1 गया 9 आएगा, 20 में से 2 गया 18 बटे पर 21 इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 9 जा एक प्लस में 1 इज इक्वल टू एन हो गया, और एन जो है आपका 10 निकल के आ गया, तो 10th टर्म जो है आपका वो 210 होगा, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, हमें नहीं पता कोई पॉलीगन है। अब पॉलीगन मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना, उसे पॉलीगन कहते हैं। कह रहा है सबसे छोटा एंगल जो है आपका 120 डिग्री दे रखा है, और सारे एंगल 5-5 के डिफरेंट पे है। सबसे छोटा 120 है, मतलब अगला 125 होगा, अगला 130 होगा, ऐसे आपका कुछ एंगल्स बनेगा। तो यहाँ पर एंगल्स का एपी जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो 120 सबसे छोटा होगा, दूसरा 125 है, तीसरा 130 है, इस तरीके से आपकी एपी चलेगी। ठीक है, अब कितने साइड्स होंगे पॉलीगन के? तो हमने पूछा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो मान लो एन साइड्स है, नंबर ऑफ साइड कितने एन है। ठीक है, तो अपने पास एक बार बताओ हमारे पास ए कितना हो गया एपी का 120 निकल के आएगा, डी कितना हो जाएगा 125 में से 120 जाए आपका 5 निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से पूछो एस एन बता सकते हो क्या? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एन अपॉन पे 2 और 2a प्लस पे एन माइनस वन मतलब डी, यही होता है, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ n तो हमें नहीं पता है, तो n अपॉन टू 2a, a का डबल, तो 2 इंटू ए कितना हमारे पास 120 है, प्लस पे n हमें नहीं पता, d कितना आएगा, d आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, n अपॉन पे 2 आपका 240 है ना, 240 निकल के आएगा, और प्लस में 5n माइनस में 5 निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं sn की बात करूँ तो जाएगा n अपॉन पे 2 और 240 में से 5 गया, तो 235 प्लस में 5n, ये आपका sn निकल के आ जाएगा। अब क्या करें भाई, n तो पता नहीं है। अब भाई n को निकालने के लिए आपको sn पता होना चाहिए, अब सम कैसे निकालें? अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने क्लास 8 में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? मान लो मेरे पास साइड्स दे रखा है, n दे रखा है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल है N3 हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल है N4 हो गया, तो अगर मुझे N दे रखा हो तो कितना टोटल सम होगा, सारे एंगल का जोड़ में कितना निकल के आएगा, इसका एक फॉर्मूला हुआ करता है सम का एंगल्स का, वो था N मल्टीप्लाई बाय N माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, याद आ रहा है आप लोगों को? अगर आपके पास N3 ट्राइंगल्स की बात करें, 3 में से 2 गया 1 इंटू 180 डिग्री निकल के आएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, साइड 4 होती है, 4 में से 2 गया 2 इंटू 360 आएगा। तो अगर आपको पता था, अच्छी बात है, कितने बच्चों को चीज़ नहीं पता थी आज सीखा है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे अपने नाम के साथ। तो ये एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 ये आपका टोटल सम होता है, ये भी तो हमारे पास सम ही है, तो कितना आएगा 180, और उसके बाद एन माइनस में 2 इज इक्वल टू जाएगा अपने पास एन अपॉन पे 2 और ये जाएगा 235 प्लस में 5n निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ओके, अब एक काम कर 360, तो 360 इंटू पर n माइनस में 2, एक काम करो पहले ना 5 कॉमन कर लो, तो 5 कॉमन करेंगे तो 5 4 25 735 प्लस में n निकल के आ गया। अब 5 से काट दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, 5 7 35 5 2 10 n माइनस में 7 2 जा, ठीक है 144, ठीक है 144 निकल के आ गया, इक्वल हो गया 47 प्लस में n, 47 n प्लस में n स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है यहाँ तक, ओके, तो हमारे पास सबको यहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, तो n स्क्वायर प्लस में 47 n माइनस में 72 n और प्लस में 144 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। माइनस करो n स्क्वायर और उसके बाद आएगा माइनस में 12 में 7 गया 5 आ जाएगा और 6 में 4 गया 2 आएगा, राइट, तो 2n प्लस में 144 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गई आपके पास? ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 144 आना चाहिए और वैसे आपका आना चाहिए माइनस का 25 निकल के, सोचो कैसे आएगा, कितना कितना हिसाब किताब लगाएंगे बताओ, 16 और 9 करके देखें, 16 और 9
तो 9 6 54 9 5 ठीक है, और 16 9 25 यस, 16 और 9 का हिसाब किताब बनेगा, कितना बनेगा 16 और 9 का। तो हम बोल सकते हैं कैसे बोलोगे 16 और 9 -16 × -9 और -16 - 9 बन गया हिसाब किताब। तो आ गया एन स्क्वायर ठीक है, माइनस में 16n माइनस पे 9n और प्लस का 144 जीरो के बराबर हो गया, n कॉमन कर लीजिए। तो आ गया n माइनस में 16 माइनस में 9 कॉमन कर लो, n माइनस में 16 इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। तो यहाँ से दो फैक्टर निकल गए, अब यहाँ पर हम जगह बचेंगे नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा n माइनस में 16 एक तरफ और n माइनस में 9 एक तरफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आपका n कितना आ गया, आपका n 16 भी हो जाएगा और आपका n जो है वो 9 भी हो जाएगा। 16 ऑप्शन में है नहीं, तो 9 ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब कितने साइड्स होंगे, 9 साइड हमारे पास होने चाहिए जहां पर ये जो कहानी दे रखी है वो सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इफ इन व्हिच ए 18 माइनस ए 14 32 है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। अच्छा ए 18 का मतलब कितना होता है, ए प्लस में 17 डी होता है, ए 14 का मतलब ए प्लस में 13 डी होता है, बहुत फास्ट फास्ट करना है आपको, 32 दे रखा है, ओपन करोगे ए प्लस में 17 डी माइनस में ए माइनस का 13 डी इज इक्वल टू 32 निकल के आ गया, ऐसे कैंसिल हो गया, 4D आपका 32 आ गया, D जो है आपका 8 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 7 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, दो AP दे रखे हैं ठीक है, मान लो एक AP 1 है और एक आपका AP 2 दे रखा, दो AP दे रखे हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1, इसका फर्स्ट टर्म माइनस का 1 है और इसका फर्स्ट टर्म जो है आपका माइनस का 8 दे रखा है, देन द डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म क्या होगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी आपका दे रखा है, इसका भी कॉमन डी दे रखा है, तो कह रहा है डिफरेंस ऑफ फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस में 3D डिफरेंस माइनस में ए और प्लस में 3D, डी तो सेम है, कितना होगा हमसे पूछ रहा है ठीक है, ओपन करते हैं, ए प्लस में 3D माइनस में ए माइनस में 3D क्या होगा हमसे पूछ रहा है, इसे खत्म, सॉरी एक मिनट ना, एक मिनट हो गई, एक मिनट होगा ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस में ए प्लस में 3 माइनस का 3D ठीक है, अब 3D खत्म हो गया, तो ए माइनस ए पूछ रहा कितना होगा, ए कितना आप माइनस का 1 माइनस पे माइनस का 8 कितना आ गया, माइनस का 1 प्लस में 8 जो है आपका 7 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 8 अपना स्क्रीन के ऊपर, 7 times the 7 term करो, 7 times the 7 term इज इक्वल टू द 11 times the 11 term, देन व्हाट इज 18 term, व्हाट इज 18 term, 18 term मतलब क्या होता है, ए प्लस में 17D पूछ रहा है कितना निकल के आएगा, आइए फटाफट देख लेते हैं, 7 times 7 term क्या होगा, ए प्लस में 6D एक कम डी होता है, 11 term क्या होगा, ए प्लस में एक कम डी 10D निकल के आएगा ठीक है, ओपन करो 7a प्लस में 6 7 42 डी जो हो जाएगा और 11a प्लस में 110 डी निकल के आ गया ठीक है, और 40 सबको यहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, 11a माइनस में 7a प्लस में 110 डी माइनस में 42D इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 11 में 7 गया 4 4a प्लस में 10 में से 2 गया 8 और 68D आपका जीरो के बराबर आ गया, 4 कॉमन कर लो, तो A प्लस में 17D जो है आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं A प्लस में 17D 0.4 जीरो होता है, ये आपका जीरो निकल के आ गया, हमसे पूछा 18 टर्म क्या होगा, जीरो, ऑप्शन डी फॉर दीपक सर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपके क्लास 11th में भी दे रखा है और जो है इस बार के जो सैंपल पेपर है हमारे पास, मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर देखे, उस सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। कह रहा है इफ दिस इज द AM बिटवीन ए एंड बी, देखो AM का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा बताया था, AM को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं AM को, और किसी भी दो नंबर का AM, मान लो A और B कोई दो नंबर है, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस बी अपॉन 2, ये आपका किसके बराबर दे रखा है, A की पावर n प्लस में B की पावर n ठीक है, और फिर डिवाइड बाय हम बोलते हैं A की पावर n माइनस 1 प्लस में B की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो A प्लस में B मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपके पास A की पावर n माइनस 1 प्लस में B की पावर n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 2 की पावर A n और प्लस 1 2 इंटू B की पावर n निकले ठीक है इतना। अब पहले A से मल्टीप्लाई करो, तो A मल्टीप्लाई A की पावर n प्लस में 1 ठीक है, नॉट प्लस 1 माइनस 1 ठीक है, माइनस 1 हो गया और प्लस में बी की पावर एन माइनस 1 निकल के आ गया, इधर इक्वल हो जाएगा अपने उसके बी से अप्लाई करेंगे, आप किसे करें बी से करेंगे, तो प्लस में बी मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन माइनस 1 प्लस में बी की पावर एन माइनस 1 इधर इक्वल हो जाएगा कितना 2 ए की पावर एन प्लस में 2 बी की पावर एन निकल के आ गया ठीक है, यहाँ तक सभी को पता है। अब ए से अप्लाई करो, अब ए की पावर यहाँ पर कितनी 1 है
और बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाते हैं, ए की पावर 1 प्लस में n माइनस 1, तो 1 से फिर खत्म, आपका ए की पावर n निकल के आएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका ए की पावर n प्लस में a मल्टीप्लाई बी की पावर n माइनस 1 प्लस में ही आएगा आपका ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी, और प्लस में बी की पावर n जो है वो गया 2 ए की पावर n प्लस में 2 बी की पावर n निकल के आ गया। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें बता मिटा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ चुका अच्छे से। ठीक है, तक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ए की पावर n है, ये भी ए की बी की पावर n है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा ये, तो हम बोल सकते हैं कि a, इसको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, ए की पावर पहले लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी हो गया, ठीक है, और प्लस में ए बी की पावर n माइनस 1 हो गया, इधर जाएगा कितना गया, ए की पावर n और प्लस में बी की पावर n निकल के आ गया। अब a वाले एक तरफ, तो ए की पावर n माइनस 1 बी और माइनस में ए की पावर n हो जाएगा, प्लस में ए बी की पावर n माइनस 1 माइनस में बी की पावर n इक्वल टू आपका जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब a की पावर n कॉमन कर लो, अब मैं a की पावर n कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान, नहीं नहीं नॉट n, a की पावर n माइनस 1 कॉमन कीजिए, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका b बचेगा केवल, और माइनस में यहाँ देखो n माइनस 1 कॉमन चला गया और ये n है, तो यहाँ पर a आएगा, तभी तो देखो a की पावर 1 जो है मैंने अभी समझाया था आपको, 1 से 1 खत्म हो जाए, बेस से पावर जुड़ जाएंगे तो काम बन जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर क्या, एक काम करो माइनस का ना, एक काम करो माइनस का b की पावर n माइनस 1 कॉमन कर लो, माइनस का बी की पावर एन माइनस वन कॉमन कर लो, कितना आ गया, ये माइनस का ए आ गया और प्लस का बी निकल के आ गया इक्वल टू जीरो। ये भी ए माइनस, ये भी बी माइनस ए, ये भी बी माइनस है, तो बी माइनस ए जो है कॉमन कर लो, कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया ए की पावर एन माइनस वन और माइनस में बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। क्लियर यहाँ तक, बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारी कहानी यहाँ की मिटा रहा हूँ ताकि हम लोग जो है इजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या करें, ये जीरो हो गया वहाँ जाके, तो ए की पावर एन माइनस वन जो है आपका बराबर आ गया बी की पावर एन माइनस वन के, तो ए की पावर एन माइनस वन अपॉन पे बी की पावर एन माइनस वन जीरो वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन कर लो, ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू वन आ गया। अब मुझे अगर एन की वैल्यू निकालनी है, आपने सीखा होगा जब यहाँ पर भी ए अपॉन बी की पावर कुछ होना चाहिए था, तो मैं वन को लिख सकता हूँ ऐसे, ए अपॉन बी की पावर जीरो, बोलो ए अपॉन बी की पावर जीरो, बात एक ही है, तो कंपेयर करो n माइनस वन जीरो के बराबर आ गया, तो n की जो वैल्यू वन आ गई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने, देखो आपको पता है इस बार 5 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बड़े नंबर पे आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये नहीं कि सर जो है ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, आ सकता भाई कुछ भी, क्योंकि आपके आर डी शर्मा में भी दे सकता है, आ सकता आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट 10 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर विच देन डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर देता है, मतलब ऐसे उन नंबर का सम निकालिए दो डिजिट में जो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देता है। देखो 4 तो 12 होता है, ठीक है, 0 आएगा रिमाइंडर, 13 की बात कर रहा है, तो ए पी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ए पी आएगी आपकी 13, रिमाइंडर 1 आएगा 4 डिवाइड करने पर, 4 और जोड़ो 17, ठीक है, 4 जोड़ो 21, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट नंबर 96 चेक करो, 4 96 चला जाएगा, तो 97 की बात हो रहा है, तो आपका ए भी बन गया। सम निकालना है तो ए एन क्या होता है, ए एन होता है अपने पास ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी, भाई एन तो चाहिए होगा ना, तो 97 कितना आ गया, ए प्लस पे एन माइनस वन डी कितना आपके पास, 17 में से 13 गया, 4 निकल के आ गया, है ना, 97 माइनस में 13 इज इक्वल हो जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई 4, तो 9 में से 3 गया 4 आएगा, 7 में से 3 गया 4 आएगा, 9 में से 1 गया 8 आएगा, अपॉन में 4 इक्वल टू एन माइनस वन 22, 4 दुनिया 8, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दुनिया 8, 4 एकम 4 इक्वल हो गया n माइनस 1, ठीक है, तो 21 प्लस में n जो है 1 जो है n आ गया, n आपका 22 निकल के आ जाएगा। अगर n 22 है, ऐसा क्या होता है, हमारे पास ऐसा होता है n अपॉन पे 2, है ना, a प्लस ए एन, ए प्लस पे ए एन, ये फॉर्मूला होता है ऐसा का, है ना, तो n कितना है 22 अपॉन पे 2 a प्लस ए एन, ए कितना है, a आपके पास है 13 और an कितना है 97 दे रखा है ना, तो जगह 11 मल्टीप्लाई 110 जो कि आपका आ गया 1210, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 11, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये दे रखा आपको अप टू एन तक का सम निकालना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, एन तक का सम निकाला, ऐसा निकाला हम लोग। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए हो गया 3 माइनस 7 अपॉन एन, देखो ऐसे क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, कुछ बच्चे क्या होता है सर अरे ये क्या हो गया बड़ा मुश्किल, अरे समझो ना 3 है ये पूरा 2 दे रखा है, 4 दी 6, एक ए पी तो दे रखी है आपको, बस यहाँ पर कुछ अतरंगी सा बना ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, पर कोई दिक्कत नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है।
डी कितना आएगा भाई, सेकंड टर्म में से 3 माइनस में 2 अपॉन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है इस तरीके से, है ना। कितना देगा 3 माइनस में 2 अपॉन पे एन माइनस में 3 प्लस में 1 अपॉन पे एन, माइनस इसे खत्म हो गया। तो माइनस का 1 अपॉन पे एन जो है हमारा डी निकल के आ गया, डी कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन एन, और एक इधर रेखा ए इधर रेखा है, बस सिंपल है, एस एन निकालना, निकाल दो, क्या मुश्किल था इसमें। तो एस एन क्या होता है, वो होता है एन अपॉन टू एन के लिए पुट तो करनी नहीं, एन के टर्म में आंसर आ रहा है, और 2a प्लस पे एन माइनस 1 टू डी होता है, यही तो होता है फॉर्मूला। एन अपॉन टू 2a, a कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 अपॉन पे एन, ठीक है इस तरीके से होगा, प्लस एन माइनस 1 डी कितना है भाई, डी हो गया आपका माइनस का 1 अपॉन पे एन, सिंपल है, सब कुछ वैसे पुट कर रहे हैं। तो एन अपॉन पे 2, अब 2 3 6 हो गया, माइनस में 2 अपॉन पे एन हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन एन से 1 करेंगे तो माइनस का 1 निकल के आएगा, ठीक है, और प्लस का 1 अपॉन एन निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बोलो सही है, ठीक है। तो देखो आपके पास कितना 6 में से एन अपॉन पे 2, 6 में से 1 गया 5 आ गया, और माइनस में 1 अपॉन पे एन निकल के आ जाएगा, नीचे 1 लगाओ तो देखो एन अपॉन पे 2 और हो जाएगा 5 एन माइनस 1 अपॉन पे 2 निकल के आ गया, ठीक है, टू नहीं एन निकल के गया बेटा, नीचे क्या है एन आ गया, ठीक है, एन से एन खत्म हो गया। कितना गया एस एन आ गया अपने पास 1 अपॉन पे 2 5 एन माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दिखने भले ही मुश्किल लग रहा हो लेकिन कितना आसान था। नेक्स्ट ये आपके स्क्रीन ऊपर कॉमन डिफरेंस ऑफ द आईपी पूछा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सीबीए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो 1 माइनस में 2q अपॉन पे 2q माइनस में 1 अपॉन पे 2q, ठीक है, डिनोमिनेटर से 1 माइनस में 2q माइनस 1 अपॉन पे 2q, ठीक है, 2q 2q तो इससे खत्म हो गया, तो माइनस का 2q अपॉन पे 2q कितना आ गया अपने पास, माइनस का 1 आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो कि एयर का मल्टीपल हो। तो 3 डिजिट शुरू होते हैं 100 से, तो पहला नंबर कौन सा होगा, 100 तो होगा नहीं, 110, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 110 होगा, 110, 110 कटेगा, ठीक है, फिर कितना होगा बताओ, 121 होगा, ऐसे चलता रहेगा ये, आखिरी नंबर बताओ, आखिरी नंबर कौन सा, 999 तो होगा नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार, 11 9 99, 990 लग रहा है मेरे को, तो 990, ठीक है, ये हटाओ। ऐसे क्वेश्चन में एपी बनाना बहुत जरूरी है, एपी बन गया तो काम खत्म हो गया, ठीक है, एसएन निकालना। तो अगेन एएन क्या होता है, ए प्लस पे एन माइनस वन डी होता है, तो 990 इक्वल टू ए कितना है 110 प्लस पे एन माइनस वन, नहीं पता डी कितना हो गया आपका, डी 11 दे रखा है, तो 990 माइनस में 110 इज इक्वल टू जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, तो 880 अपॉन पे 11 इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया, है ना, तो 11 8 जाए 80 प्लस में 1 इक्वल टू 81, तो एन निकल के आ गया, तो एन जो है हमारे पास वो 81 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, एसएन होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, एन तो 81 आ गया, 81 अपॉन पे 2, सही कर रहे हम लोग, ए कितना है 110 और ए एन कितना 990, तो 81 अपॉन पे 2 990 में 10 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, तो 1000 भाई क्या कर रहा हूँ, 1000 में 100 जोड़ूँ 1100, ठीक है, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 550, यस 550, तो 8100 81 5 जा 540, 4 4 4 4 4 5 5, यस ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4 4 5 5 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता है 14 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ दिस आर इन एपी देन एक्स क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में आसान जगह ध्यान दिया है। अगर तीन नंबर ए बी सी अगर तीन नंबर एपी में होते हैं तो ए प्लस सी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ये इसको जोड़ेंगे ए और सी को ट्वाइस ऑफ बी क्या आएगा, मतलब 1 अपॉन पे एक्स प्लस में 2 प्लस पे 1 अपॉन पे एक्स प्लस में 5 जो है वो ट्वाइस ऑफ बी क्या आएगा,
तो 2/x+3 के बराबर निकल के आएगा, ठीक है। क्रॉस कर रहा हूँ मैं, x+5 प्लस में x+2 जो है ना, वो कितना आएगा अपने पास, x मल्टीप्लाई x प्लस में 5 प्लस में 2 x+5 2/x+3 निकल के आएगा, ठीक। तो देखा कितना, 2x+5 + 7/x² + 5x + 2x + 5 = 10 इक्वल कितना देगा, 2/x+3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2x+7 × x+3 = 2x² + 7x + 10 निकल के आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब 2x × x+ देखो लेंथी है, कुछ नहीं है, प्लस 7 × x+3 इक्वल हो जाएगा 2x² + 14x + 20 निकल के आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा अपना 2x² + 6x + 7x + 21 2x² + 14x + 20। अब 2x² से खत्म हो गया, कितना आ गया 13x + 21 - 20 = 14x निकल के आ गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 = 14x - 13x, तो आपका जो x है वो 1 के बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो x जो है आपको किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगा, ये सीरीज आपको दे रखी है, सम ऑफ SN निकालना कितना निकल के आएगा, आसान है। आपको AP दे रखी है, जब भी AP दे रखी है आपको A निकालो भाई, D निकालो, फिर तो बचता ही क्या है, कुछ नहीं बचता, तो आपका √2 हो जाएगा। D निकालो, √8, ठीक है, √8 - √2। अब √8 को 2√2 लिखते हैं, 2√2, ठीक है, -√2 कितना आ गया आपका, √2 निकल के आ जाएगा, ए बी रूट टू डी बी रूट टू, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 2a + n - 1 × d, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब n/2 n हमें तो नहीं पता, n तो n ही रहेगा, 2a, तो हो जाएगा 2√2 - n - 1 d कितना है, d आपका √2 है, ठीक है। तो n/2 हो जाएगा 2√2 - √2n है ना, और प्लस में √2 निकल के आ गया, ये प्लस है, सॉरी अभी गलत हो जाता है ये, अगर ना कोई मिस्टेक हुआ हो ना तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। n/2 कितना आ गया अपने पास, ये आएगा √2 + √2n, ठीक है। एक काम करो, √2 कॉमन कर लो, तो √2 कॉमन कर लेंगे तो आ गया n/2 और n+1 निकल के आ गया, ये हो जाएगा √2 खत्म, तो n/√2 और n+1 निकल के आएगा, ठीक है। मतलब n(n+1)/√2, ये आपका SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके CBSE में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 16, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 1 and 11, फर्स्ट टर्म आपका 1 दे रखा है और लास्ट टर्म AN आपका 11 दे रखा है, ठीक है। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज SN, आपको 36 दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अब SN क्या होता है, वो होता है n/2 और a+an होता है, यही फॉर्मूला होता है। SN 36 है, n/2 नहीं पता, a कितना है 1 + an कितना है 11 निकल के आ गया, ठीक है। तो जगह 36 × 2/12 = n आ गया, तो 12 × 36 = 3 × 6, तो n जो है आपका 6 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्या कह रहा है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APR इन रेशियो इतना, देन रेशियो ऑफ द 18 टर्म, तो 18 टर्म का रेशियो क्या निकल के आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन ना, अगर मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिया ऑब्जेक्टिव में, मैं इसकी ट्रिक भी बना रहा हूँ, आप लोगों को पता है मैं डेली एक ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ आपका, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले, तो हो सकता है कि देखते कुछ क्वेश्चन टिक कर पाओ, तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज ट्रिक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिया ही इसलिए ताकि मैं ट्रिक से क्वेश्चन करा पाऊँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एन टर्म SN दे रखा आपको 2 AP का 5n+9 = 9n+6, ठीक है। 18 टर्म का रेशियो क्या होगा, जिस टर्म का आपसे रेशियो पूछ रहा है उसका डबल करके एक माइनस करूँ तो n निकल के आएगा, क्या बोला मैंने, इसका डबल करोगे तो 1 माइनस करोगे आपका n निकल के आएगा, तो n कितना आ गया 36 - 1, n जो है आपका 35 निकल के आ गया। तो ऐसे ही आपने n निकाल लेना है, समझ गया, इसका कैसे निकालोगे, तो फाइव इनके लिए चल गया, हमें n की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो 9 × 35, ठीक है, और प्लस पे 6 करो, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 16, 17 प्लस पे 9 आ गया, अपॉन पे 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 और 4 = 31 प्लस में 6 निकल के आ गया, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 184 अपॉन पे
321 ऑप्शन नंबर कौन सा ए इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आपको ट्रिक बताया है जिससे आप एन की, ये ध्यान रखना अगर आपको एसएन दे रखा हो और टर्म पूछ रहा हो 18 टर्म का फॉर्मूला दे रखा हो तो ये काम करेगा, ठीक है। इसका खास ध्यान है नहीं कि कहीं भी आंसर उठा कर पुट करके आ जाओ, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 18 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ़ द सम ऑफ एन टर्म एसएन दे रखा है आपको और कॉमन डिफरेंस दे रखा फर्स्ट टर्म क्या होगा, आपका एस एन दे रखा कितना 3n का स्क्वायर प्लस 1n, ठीक है। तो एक काम करो एस वन कितना हो गया 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 निकल के आएगा, तो 3 × 3 + 1 कितना 4, तो एस वन 4 निकल के। अच्छा एक बात होता है, क्या एक नंबर कोई सम होता है? नहीं होता। तो एस वन जो है ए वन के बराबर ही होता है, तो फर्स्ट टर्म पूछा था आपका 4 निकल के आ गया, पता नहीं कॉमन डिफरेंस क्यों दे रखा था, आई डोंट नो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत ही नकली क्वेश्चन था। 19 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर एन टर्म दे रखा आपको, ए एन दे रखा आपके पास 2n + 1, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो एस एन कितना निकल के आएगा। एस एन क्या होता है, ए एन अपॉन पे 2a + an होता ना, तो एस एन क्या होता है हमारे पास n अपॉन पे 2 और a प्लस पे an, ये sn का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास n तो दे रखा भाई, n की वाली पुट नहीं कर रहे, an ही पता, बस a निकाल लो फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2 × 1 + 1, तो फर्स्ट टर्म आपका a जो है वो 3 निकल के आ गया। अब फर्स्ट टर्म पता चल गया, काम खत्म। तो sn कितना हो जाएगा n अपॉन 2 और a प्लस an, a कितना है अपने पास 3 + an कितना है 2n + 1 दे रखा है, ठीक है। तो n अपॉन पे 2 और हो जाएगा 2n + 3 + 4 निकल के आ जाएगा, तो 2 कॉमन कर लो, n अपॉन में 2 × 2 कॉमन कर लिया तो n प्लस में 2 निकल के आ जाएगा, इससे खत्म हो गया। तो sn जो है वो आ गया n × n + 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, अगर फर्स्ट टर्म जो है आपका ए पी का वो ए दे रखा है और nth टर्म ए एन दे रखा है आपको कितना बी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी कितना निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस पे एन माइनस वन डी, ये तो होता है। अब ए एन आपको कितना देगा, बी दे रखा है इक्वल टू ए प्लस पे एन माइनस वन, डी कितना है, डी हमें नहीं पता, तो बी माइनस में ए अपॉन पे एन माइनस वन कितना आ गया, बी के बराबर आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपके 20 एमसीक्यूज खत्म होते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से हम लोगों ने एमसीक्यू किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, तो 20 एमसीक्यू रहने थे और 30 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते, तो ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेट पानी पी लो फिर करते हैं। चलो सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एपी दे रखा है -4 - 1 + 2 कहाँ तक गया, x तक गया, x क्या आपका लास्ट टर्म ए एन है और x की वैल्यू निकालें कि लास्ट टर्म आपका क्या होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन, a आप लोग का -4 दे रखा है, d कितना आ गया -1 - -4 जो कि आपका -1 + 4 जो कि आपका 3 निकल के आ गया, ठीक है। ए एन आप लोग को x दे रखा है, ठीक है। अच्छा एक बताओ ए एन क्या होता है, ए एन होता है a प्लस पे एन माइनस वन मतलब डी, यही होता है। ए एन हमारे पास एक्स दे रखा है, ए कितना है -4 + n - 1 और डी कितना है, डी आपके पास 3 दे रखा है, तो एक्स प्लस में 4 / 3 + 1 इक्वल टू एन निकल के आ गया, तो एक्स प्लस में 4 + 3 / इक्वल टू एन आ गया, तो x + 7 / 3 जो है वो एन के बराबर आ गया। क्लियर यहाँ तक, ये आपका एन निकल के आ गया, इसको मैं थोड़ा डब्बा बनाता हूँ। एन क्यों लिखा मैंने, एन की वैल्यू क्यों निकाली एक्स के टर्म पे, क्योंकि मैं एक्स निकाला एन नहीं चाहिए। अब एस एन पे आ जाओ, एस एन क्या होता है, वो होता है एन अपॉन पे 2 और ए प्लस पे ए एन होता है, ठीक है। अब एस एन कितना लिखा है 437 इक्वल टू एन कितना है x + 7/6 3/6 हो गया, ए प्लस ए एन माइनस का 4 + an कितना है एक्स निकल के आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 × 7 = 42 6 × 3 = 18 4 = 22 6 × 24 = 25 2622 इक्वल हो जाएगा x + 7 × x - 4 ठीक है। तो 2622 इक्वल हो जाएगा x - 4 + 7 × x - 4 निकल के आ गया, तो 2622 कितना आ गया अपने पास x² - 4x + 7x - 7 = 28 निकल के आ गया, ठीक है। तो 2622 + 28 इक्वल हो जाएगा x² + 3x, तो 8 × 2 = 10 2 × 4 = 5 2 = 6 इक्वल हो जाएगा x² + 3x, तो आ कितना आ गया x² + 3x - 2650
इक्वल जीरो, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें सॉल्व करना है कि कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर आप लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो। आई सजेस्ट कि ऐसे जो क्वेश्चन में फैक्टराइज का इस्तेमाल कर करो बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो 2650 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है, 5 2 7, 3 10, सॉरी 5 से करो, 5 2 10, 3 5 6 30, 2 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, 5 3 15, ओके, तो 5 5 25 30, 50 और 53, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 53x माइनस में 50x माइनस का 2650, ठीक है, x कॉमन कर लो तो आ गया x प्लस में 53 माइनस का 50 कॉमन कर लो तो x प्लस में 53 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो x प्लस में 53 और x माइनस में 50 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो माइनस का 1, फिर माइनस का 4 आया, फिर माइनस का 1 आया, फिर प्लस का 2 आया, ये बढ़ता जा रहा है, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x के लिए जो 50 निकल के आएगी ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। रुको, मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं, सो दैट जो है हम साथ साथ चेक करते चले। ऑप्शन में क्वेश्चन है 21, तो 21 का जो आंसर है वो आपके पास दे रखा, बड़ा क्या आंसर दे रखा भाई, जो भी हो ऊटपटांग से, लेकिन जो है आंसर हम लोग सही मिला लेते हैं। क्या ही देखा यार, आंसर तो है, आंसर नहीं है भाई कुछ भी देखा, आंसर सर, चलो कोई नहीं। तो एक्स जो है 50 निकल के आ गया। नेक्स्ट 22 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है शो दैट द सम, ये क्या है, शो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म बी, लास्ट टर्म सी इक्वल टू, ओके ऐसा निकालना है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा है, ये ए बंद कर लो, ठीक है, काम करो। फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा है, ठीक है, सेकंड टर्म आपको बी दे रखा है, लास्ट टर्म आपको सी दे रखा है, ठीक है। अब तो डी कितना हो गया, ए टू माइनस में ए वन, जो कि हमारे पास बी माइनस में ए निकल के आ गया, ठीक है, ए एन आपके पास सी दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो है आपका ए वन दे रखा है, ए दे रखा है। अब ए एन क्या होता है, ए एन होता है अपने पास, ए एन होता है ए प्लस पे एन माइनस वन मतलब डी, यही होता है। ए एन सी दे रखा है इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए ही है, डी कितना है, डी भाई आपके यहाँ बी माइनस ए, ठीक है, तो सी इधर आ गया माइनस का ए अपॉन पे बी माइनस में ए प्लस में वन इक्वल टू एन निकल के आ गया, तो सी माइनस में ए प्लस पे बी माइनस में ए डिवाइड बाय बी माइनस में ए जो है आपका एन के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना ये बी प्लस सी, बी प्लस में सी माइनस में टू ए अपॉन पे बी माइनस ए जो है वो एन के बराबर निकल के आ गया। अब वही वाली बात है, मैंने एन की पुट करा क्योंकि हमें एन की नीड नहीं है, जो भी हम प्रूफ कर रहे हैं उसमें एन नहीं दे रखा, ठीक है, ओके। अब आ जाओ ऐसा क्या होता है फॉर्मूला, एन अपॉन पे टू और ए प्लस पे ए एन, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन कितना है, तो पूरा एन है अपॉन टू है, तो बी प्लस में सी माइनस में टू ए अपॉन पे टू मल्टीप्लाई बी माइनस में ए, ये आपका आ गया एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ए कितना है ए ही है और ए एन कितना है सी दे रखा है, ये आपका सी हो गया। तो कितना आंसर आएगा, एस एन जो है वो आ गया ए प्लस में सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस में सी माइनस में टू ए अपॉन बाई टू मल्टीप्लाई बी माइनस में ए निकल के आ गया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो चुका है। तो क्वेश्चन भले ही हो सकता है दिखने में बहुत मुश्किल सा लग रहा हो, लेकिन होगा बहुत आसान क्योंकि आप ले रहे हो ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। अगला क्वेश्चन 23 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 167, ठीक है। तो सम ऑफ 5 टर्म प्लस में सम ऑफ 7 टर्म जो है आपको 167 दे रखा है। अच्छा एसएन क्या होता है, एसएन हमारे पास होता है एन अपॉन पे 2 और उसके बाद होता है 2a प्लस में 1 कम d n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारे पास एसएन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एस 5 है तो कितना आ गया 5 अपॉन पे 2 और हो गया 2a प्लस में 1 कम d 4d, ठीक है, और प्लस में एस 7 कितना हो गया 7 अपॉन पे 2 और 2a प्लस में 1 कम d 6d हो जाएगा आपका 167 के बराबर, ठीक है। 2 कॉमन कर लेते हैं तो 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन किया तो a प्लस में 2d निकल के आ जाएगा, प्लस में 7 अपॉन 2 यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस में 3d आ गया, कितना 167 निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये खत्म। तो 5a प्लस में 10d और प्लस में इसे खत्म 7a प्लस में 21d इक्वल टू आपका 167 हो जाएगा। तो 12a प्लस में 31d जो है 167 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास निकल के आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो S10 जो है आपको 235 दिया हुआ है। अब S10 मतलब कितना हो गया बताओ, यू गेट 10 अपॉन पे 2 और 2a एक कम d, तो 9d जो है हमारे पास 235 निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो 2 5 जो हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 सत्ते 45, तो 2a+p 9d जो है आपका 47 के बराबर इक्वेशन नंबर 2, अभी नहीं 6 से मिला कर रहे हैं 12 आया पर, तो 12a a+p 6 9 54d और 6 7 42, 6 4 24, 282 ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के हमारे पास बन के आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मिटाते हैं, इसकी नीड नहीं है। अब दो इक्वेशन हम लोगों ने बना लिए, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले, ये आ गया आपका इधर। ठीक है, तो एक काम करो दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये आपका पहला इक्वेशन है ठीक है इधर, और ये आपका दूसरा इक्वेशन है ये इसके नीचे। ठीक है, और फिर दोनों जो है ऊपर, ठीक है दो इक्वेशन हो गई। अब एक सुंदर सी लाइन खींचते हैं यहाँ पर इस तरीके से, चलो भैया चलो चलो, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। तो 4 में से 1 गया 3, ठीक है 3 और 23, 23 डी माइनस का, माइनस का 115। ठीक है, तो डी कितना आ गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 115 बटे पर 23, तो 5 से कटेगा, ठीक है 5, डी आपका 5 निकल के आ गया। अगर डी 5 है पुट करो किसी इक्वेशन पे, अगर डी आपका 5 है, यार इक्वेशन ही खत्म कर दी मैंने, चलो यहाँ पर है ठीक है, इधर है क्या था ये 2a+p 6 8 6 9 54 और 6 6 24 6 6 24 6 7, ये था तो 2a+p 9 5 45 = 47 हो गया, तो a कितना आ गया 47 में से 45 2 आ गया और अपॉन 2, a जो है 1 निकल के आ गया, a 1 है, d 5 है, क्या निकाला है 20 टर्म निकाल, s 20, तो s 20 कितना होगा भाई, होगा 20/2 और 2a कितना है 1 और प्लस में एंड a कम d, 9d कितना है अपने पास 5 है। ठीक है, तो हो जाएगा 10 1/2 1 2 प्लस में 9 5 45, 5 5 4 9, 95+2 98 आ गया, 970 आंसर निकल के, यस बिल्कुल सही है 970 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान नकली सा क्वेश्चन, लेंथी था लेकिन आसान मुश्किल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट 24 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डेट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, देखना आंसर यहाँ पर जो है ना बहुत तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर इस्तेमाल किया फ्रॉम 1 to 100 मतलब 1 से 100 तक, 1 को भी लेना 100 को भी लेना। अब यहाँ पर बिटवीन भी यूज कर सकता है, बिटवीन 1 and 100, तो बिटवीन पे 1 और 100 नहीं लेना, कह रहा दैट आर डिविजिबल, 2 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होता हो, मतलब नहीं और बोला या तो 2 से हो जाए या 5 से हो जाए, उनका मैं सम निकाला अगर एंड यूज करता। अब यहाँ पर और यूज किया है, तो 2 से हो जाए तब भी चलेगा, 5 से हो जाए तो भी चलेगा, या तो 2 या तो 5, और का 2 और 2 5 दोनों से, तो 10 का मल्टीपल लेते हैं, पर जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो वो 10 का मल्टीपल, तो 10 20 30 40 ऐसे भी बनती। तो यहाँ पर जो 2 बोला है, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी हो जाए या 5 से भी हो जाए उसका मैं निकालना है, 2 से भी हो जाए या 5 से भी हो जाए उसका सम निकालना है, और 1 से 100 के बीच में। तो एक काम करते हैं, पहले 2 का अलग कर लेता हूँ, 5 का अलग कर लेता हूँ, तो 2 AP बनेगी, AP1 बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगा 100 तक, दूसरी AP बना लिया मैंने कितना 5 10 15 20 से लेकर कितना 100 तक। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 का सम निकाल लेता हूँ और 5 का निकाल दूंगा जोड़ दूंगा, क्या सही आंसर आएगा, नहीं आएगा, 2 में भी 10 20 30 आएंगे, 5 में भी 10 20 30 आएंगे, तो ये 2 दफा जुड़ जाएंगे, तो एक AP और बनानी पड़ेगी 10 वाली, तो 10 20 से लेकर कहाँ तक 100 तक, ये इन दोनों को जोड़ के इस वाले सम से माइनस करना पड़ेगा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलो यहाँ पर बताओ AN कितना होगा, AN दे रखा है a+p n-1 d होगा, इक्वल ए कितना 2+p n-1 d कितना आपका d2 दे रखा है, तो 98/2 = n-1। ठीक है, तो 48 49, तो 49+1 कितना n के बराबर आ गया, और n जो है आपका वो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन क्या होता है, एस एन क्या होता है बोलो, वो होता है n/2, ठीक है a+an, तो 25 और 102 निकल के आ गया। ठीक है, तो 25 2 50, 25 25, 2 5 5 निकल के आ गया, कोई दिक्कत, 25 2 50 5 आ गया, और 25 2 50 5 आ गया और 25 25। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपका AN की पूछूँ मैं कितना होगा, a+p n-1 d होगा, अंडरस्टूड है, NBC आएगा, तो 100 इक्वल कितना हो गया a+5+n1 d कितना हो गया, d भी आपका 5 दे रखा है, तो 95/5 कितना आ गया n-1 के बराबर हो गया, 5
1+5 पानी +1 कितना एन आ गया, और हम बोल सकते हैं एन जो है आपका 20 निकल के आ गया, एन कितना आ गया 20 निकल के आ गया। फॉर्मूला एसएन क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन अपॉन पे 2 और ए प्लस ए एन, ए प्लस में ए एन निकल के आ गया, ठीक है। तो देगा 10 और देगा 105, तो हमारा आ जाएगा 1050 आपका एसएन निकल के आ गया इसका, 1050 पाँच वाले का, ठीक है। अब ये वाला निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं कितना आएगा, तो ये 10 होगा एन, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा है एन 10 हो गया आपका, ठीक है। तो एस एन कितना आ गया अपने पास, वो जगह एन अपॉन पे 2 और ए प्लस एन 10 प्लस में 100 कितना आ गया अपना, 10 मल्टीप्लाई बाय 110 है ना, तो 550 निकल के आ गया। अब नेट टोटल कितना आएगा फाइनल एस एन, तो एस एन कितना फाइनल वाला, तो 2550 प्लस में 1050 माइनस है 550, ठीक है। जो जाएगा 0005510 है ना, 5 और 6 3 6 माइनस है 550 है ना, तो 0503 3050 इज द राइट आंसर। क्लियर नहीं आता क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर, 305 मैं एक जोड़ के निकालता हूँ। हरे हरी भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, 3 0 ठीक है, माइनस में आपका 550, यस 3050 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25 फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, एक ए पी में 37 टर्म्स है, तो एन जो है 37, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री मिडिल मोस्ट टर्म इज 225 एंड द सम ऑफ लास्ट थ्री, ओके ओके ओके, देखो सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट टर्म इज 225 एंड द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म इज 427, फाइंड द एपी, एपी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट बीच के तीन नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका एन 37 है, ध्यान सुनना, अगर एन आपका 37 है तो 37 का आधा कितना होता है, 37 का आधा 18, तो यहाँ पर आपके 18 टर्म होंगे, ये आपका 19वां होगा और यहाँ पर आपके 18 होंगे, 18 36 और एक 37, तो यहाँ पर आपका एक टर्म होगा और यहाँ पर आपके 18 18 है, इसका मतलब क्या 18 19 और 20, इस टर्म की बात कर रहा है, 18 टर्म 19 और 20, क्या बोला मैंने 18 19 और 20, 18 19 और 20 मिडिल मोस्ट होंगे, तो 18 19 और 20 ये आपके थ्री मिडिल मोस्ट होंगे, जो कि आपको कितना दे रखा है 225 दे रखा है, और लास्ट के थ्री, लास्ट थ्री कौन कौन से होंगे भाई, 37 लास्ट है, तो 36 35 36 37, ये आपको 429 देते हैं। क्लियर आता सभी को भाई, मिडल मोस्ट क्या हो गए 18 19 20 हो गए, और लास्ट के तीन 37 36 और 35, इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, ए भी निकालनी हमें, ए डी क्या होता है, ए प्लस में 17 डी, 19 ए प्लस में 18 डी, और 20 हो गया ए प्लस में 19 डी, ये आपका 225 देने का है, तो 3A प्लस में 17, 18 और 19 कितना होगा, तो 17 3 54 55 56, 56D आएगा आपका 225, 17 18 19 जोड़ लूँ मैं, 17 18 19 जोड़ने पर आता है 54, कितना होता है 54 होता है, 17 3 51 होता है यार, मैं अभी 54 आएगा, ठीक है। 5 से 3 काउंट कर लो, 3 1 3 3 8 24, 225 3 से काटो, तो a प्लस में 18 डी कितना आ गया, 3 7 23 5, ये फर्स्ट टर्म हो गया पहले इक्वेशन, इसको आ जाओ a प्लस में 34 डी प्लस में a प्लस में 35 डी प्लस में a प्लस में 36 डी, तो 3A प्लस में 34 3 103 102 103 104 आएगा, इनको जोड़ने पर 102 103 104, 34 प्लस में 35 प्लस में 36 105, यस 105 जो है आपका वो 429 के बराबर निकल के आ गया, ठीक है। तीन कौन कर लो, तो ए प्लस में 3 3 9 3 5 15, डी आपका 429 हो जाएगा, ए प्लस में 35 डी जो है वो 3 1 3 3 4 12 3 3 9, तो यहाँ लिख दो ए प्लस में 35 डी जो है
143 क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। सुंदर से लाइन खींचेंगे और सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, खत्म हो गया। 15 में से 17 गया, 18 गया, तो 17 ही बचेंगे मेरे ख्याल से, 17 बचेंगे। तेरह में से 5 गया, 8, और 13 में से 7 गया, 6, तो डी आपका 4 आ गया, डी आपका 4 निकल के आ गया, डी आपका 4 नहीं, यहाँ पुट करो, ए प्लस में 35 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 143 हो गया, तो 5 के 20, 4 तीन 12 तेरह 14 इक्वल टू 143, ए जो है आपका वो 3 निकल के आ गया, ए 3 हो जाएगा, ए 3 है और डी आपका 4 निकल के आ जाएगा, ए 3 और डी 4 निकल के आ जाएगा। फाइंड द ए पी, हमें निकालना, बस ए पी निकाल दो फटाफट से, ऊपर का सवाल मिटाओ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं, ए पी निकालनी है। चलो ए पी कैसे बनेगी, ए तो आपके पास ए हो गया, ए प्लस डी और ए प्लस, 3 निकालो, बहुत है, बहुत है, 3 निकालो, ए आपके पास 3 है, ए प्लस डी 3 प्लस 4 7 हो गया, और ए प्लस में 2 डी 8 3 11, तो ए पी कैसे बनेगी, ए पी बनेगी हमारे पास 3,7,11, तो ये आपकी ए पी की कहानी चल पड़ी। नेक्स्ट चलता है 26 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन 26 कह रहा है, इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी, है ना, प्रूफ दैट एस 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस 8 माइनस एस 4, तो दो चीज़ें टेकिंग एल एच एस करते हैं फटाफट से, तो हम करेंगे टेकिंग एल एच एस, के एल एच एस अपने पास एस 12 है, तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, भाई एस एन का होता है एन अपॉन पे 2, है ना, और ए प्लस ए 2 ए प्लस पे ए कम डी, तो 11 डी निकल में डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, तो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ए प्लस में 11 डी निकल के आएगा, तो ओपन करेंगे तो 6 दुनी 12 ए प्लस में 66 डी निकल के आ गया, तो ये तो आपका एस 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो ये एल एच एस हमारा क्या निकल गया, इस तरीके से हमारा एल एच एस निकल के आया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर एच एस की, तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग आर एच एस, तो आर एच एस क्या अपने पास 3 मल्टीप्लाई एस 8 माइनस एस 4, तो एक काम करो पहले एस 8 माइनस एस 4 निकाल लें, तो एस 8 वाला कितना हो गया एन अपॉन पे 2, और 2 ए प्लस में एक कम डी, और 7 डी निकल के आएगा, माइनस है 4 अपॉन पे 2, और 2 ए प्लस में एक कम डी 3 डी निकल के आएगा इस तरह, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 2 ए प्लस में 7 डी माइनस में ये 2 हो जाएगा, 2 ए प्लस में 3 डी निकल के आएगा, तो अगर बात करूँ मैं एस 8 माइनस एस 4 की, तो ओपन कर रहा हूँ मैं 7 चौक 28 डी माइनस में 2 दुनी 4 ए माइनस 6 डी निकल के आएगा, तो 6 8 में से 4 गया, तो कितना आएगा 8 में 4 गया 4 आएगा, तो 4 ए प्लस में 22 डी निकल के आएगा, तो अपने पास जो है ये क्या आया, ये अपने पास एस 8 माइनस एस 4 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई एस 8 माइनस एस 4 का मतलब हो गया इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 ए प्लस में 22 कितना होगा, तो हो गया आपका 12 ए प्लस में 66, और यही आप लोग का एल एच एस भी निकल के आया था, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 27, इन ए पी एस एन दे रखा है, ए के दे रखा है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, हमें क्या दे रहा है, एस एन दे रखा है 3 एन का स्क्वायर प्लस में 5 एन, जब भी आपको एस एन दे रखा हो या फिर ए एन दे रखा हो, वहां से आप ए पी जरूर निकाल लेना, तो मैं ए पी निकालने के लिए एन के लिए 1 पुट करूंगा, एस 1 कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता प्लस में 5 इतना, तो 3 प्लस 5 आपका 8 निकल के आ गया, तो एक नंबर कोई सम होता नहीं, तो आपका ये a1 ही निकल के आएगा। 2 पुट करते हैं, एस 2 कितना आ गया 3 मल्टी 2 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, जो भी आएगा वो निकालते हैं, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 चाहते हैं 12 प्लस 15 10, जो कि 22 निकल के आ गया, तो 22 एस 2 आ गया, एस 2 मतलब दो टर्म का सम, शुरुआत के मतलब एस 2 जो है आपका वो होता है a1 प्लस में a2, ये आपका 22 निकल के आ गया, ठीक है, यहाँ तक a1 8 दे रखा है, तो 8 प्लस में 22 आपका ये, तो 22 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा अपने पास, तो सेकेंड टर्म कितना आएगा आपको 14, चलो ठीक है 14 निकल के, हाँ 14 निकल के आ गया सेकेंड टर्म, तो हमें ए के दे रखा है, अब ए के गिवन है 164, ठीक है, ए के मतलब क्या हो गया ए प्लस में के माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो हमें क्या चाहिए होगा, ए चाहिए और डी चाहिए, काम करता अपना, तो ए तो आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म तो आपका 8 निकल के आ गया, डी कितना आ गया सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, तो 14 माइनस में 8 जो आपका वो 6 निकल के आ जाएगा, तो पुट कर दो सारी वाली पचल गई, ए 8 है प्लस पे के माइनस 1 डी कितना है अपना 6 इक्वल टू 164 निकल के आ गया, तो के माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, 164 में से 8 को माइनस करेंगे तो के माइनस 1 6 आ गया आपका 150 कितना 6 आ गया,
के माइनस वन आ जाएगा 156 अपॉन पे 6, तो 6 दूनी 12, 6 6 36, तो के जो है आपका 27 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था। नेक्स्ट 28 आपके स्क्रीन के ऊपर, द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म ऑफ एन एपी, हमें S11 निकालना, मतलब एन अपॉन पे 2 और 2a प्लस में एक कम d10d, ये हमें निकालना पड़ेगा। एक काम करो, 2 कॉमन कर लो क्या, हाँ 2 कॉमन कर लो, है ना, तो कितना का मतलब a प्लस में 5d निकल के आ जाएगा। तो जो कि हो गया अपने पास 11 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस में 5d, ये हम लोग को निकालना है, कितना निकल के आएगा आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आपके पास 11 टर्म है, 11 टर्म है तो 5 ही हो गए, 5 हो गए, छठा नंबर जो है मिडल मोस्ट होगा, मतलब आपको A6 जो है आपको 30 दे रखा है। A6 30 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस में 5d जो है आपको 30 दे रखा है, तो ये तो चाहिए था हमें, ए प्लस 5d 30 दे रखा है। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 30 जो है आपका 330, तो S11 जो है 330 निकल के आ गया, तो ये बिल्कुल भी सही आंसर बिल्कुल बिल्कुल होगा। नेक्स्ट 29 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस 20 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू एंड टर्म ऑफ एन अनदर एपी हुज फर्स्ट टर्म इतना कॉमन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान सुनिए, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी फर्स्ट, ओके ठीक है, SN दे रखा आपको, ठीक है SN, SN, तो अगर मैं बात करूँ SN की, है ना, तो एन अपॉन पे 2 और 2a प्लस पे n माइनस 1 इंटू d, यही होता है। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको 8 दे रखा है, तो a आपका 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस d आपको 20 दे रखा है। ठीक है, तो SN बोलो कितना आएगा, ये आगे अपने पास n अपॉन पे 2 2a 18 जो 16 प्लस में n माइनस 1 d कितना हो गया, d आपका 20 दे रखा है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते से, तो n अपॉन पे 2 और 16 प्लस में 20 n माइनस में 20 निकल के आ जाएगा। तो देखा हमारे पास n अपॉन पे 2, 16 में से 20 गए 4, है ना, तो 20n माइनस 4 ये आपका SN निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, इज इक्वल सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा S2n, तो S2n कितना होगा बताओ, फर्स्ट टर्म दे रखा माइनस 2 हो गया, SN S2n कितना हो गया, 2n अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2a, 2 इंटू ए कितना है इसका, माइनस का 30 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना प्लस 8 दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा लगे ना, तो 2n अपॉन बाई 2 कितना आ गया आपका, माइनस का 60 प्लस में 8 दूनी 16, n माइनस में 8 निकल के आ गया, तो जो हमारे पास कितना 2n अपॉन बाई 2 और 16n माइनस में 68। ठीक है, अब ये दोनों टर्म बराबर बराबर, ये जो आया है आपका और ये जो है, ये दोनों आपके बराबर हैं, इक्वल दे रखे, तो दोनों इक्वल करना पड़ेगा। तो n अपॉन बाई 2 20n माइनस 4 इज इक्वल टू 2n अपॉन पे 2, है ना, और फिर 16n माइनस में 68। ठीक है, n अपॉन 2 से n अपॉन 2 खत्म, तो 20n माइनस 4 कितना आ गया, 16 दूनी 32 है, 68 2 जा, सोलह 132 136 होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ओके, तो सॉल्व करें कितना आएगा, माइनस 4 प्लस 136 इज इक्वल टू 32n माइनस 20n। ठीक है, तो 132 कितना आ गया, 12n के बराबर आ गया, n कितना आ गया, 132 अपॉन में 12, 11 आएगा यहाँ से, तो 11 जो है n निकल के आ गया। नेक्स्ट 130 आपके स्क्रीन के ऊपर, रामकली रिक्वायर्स रुपीज 2500 आफ्टर 12 वीक टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, रामकली को 2500 रुपये चाहिए 12 हफ्ते के बाद अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, सी सेव्ड ₹100 इन द फर्स्ट वीक एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹20, फाइंड वेदर सी विल एबल टू सेंड हर टू हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक, तो 12 हफ्तों के बाद क्या वो पैसा भेज पाएगी या नहीं भेज पाएगी, और वट वैल्यू इज जनरेटेड इन दैट सिचुएशन। एक काम करो, एक काम करो, ठीक है, पहले दिन 100 रुपये सेव किए उसने, एपी बनेंगे यहाँ से 100 रुपये सेव किए, फिर उसने कितने 20 रुपये बढ़ाए, फिर 120 हुए, फिर 140 हुए, ऐसा करते करते कहाँ तक चला, 12 हफ्तों तक चला है, एन आपका 12 दे रखा है, तो ए तो आपका 100 आ गया और डी आपका 20 आ गया और एन जो है आपका वो 12 निकल के आ गया। ठीक है, एस एन क्या होगा, एस एन हो गया अपने पास एन अपॉन पे 2 और 2a प्लस पे एन माइनस वन बटा डी, यही होगा आपका एस एन। ठीक है, एन अपॉन 2 तो 12 अपॉन पे 2 2a, ए का डबल 100, का डबल 200,
200 + एन माइनस वन डी कितना है, डी आपका 12 दे रखा है, डी 12 नहीं एन 12 दे रखा है, तो एन आप लोगों को 12 दे रखा है, 12 में से 11 इंटू डी कितना है, डी आपका 20 हो गया, ठीक है। तो एस एन कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 200 + में 220, ठीक है। तो एस एन कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 = 4 20 6 = 24, ठीक है। तो 6 × 6 = 24, यस कितना आ गया, 2640, 2640 है ना। तो 600, 6 × 12 6 × 25 2520 मानना पड़ेगा। इसका मतलब उसको 2500 की रिक्वायरमेंट थी, और अगर वो 12 हफ्ते तक पैसा जमा करती है इस हिसाब से तो टोटल 2520 रुपये बनते हैं। तो इसका मतलब यस वो पे कर पाएगी। उसने मुझे फाइंड वेदर शी इज एबल टू पे, यस शी इज एबल। अब बेटी की फीस है यार, कह रहा है क्या वैल्यू दिखाता है, वैल्यू दिखाता है कि ट्यूशन की फीस अपने बच्चों के टाइम पे देनी चाहिए, ये वैल्यू दिखाना, ठीक है। अब होता है ना कुछ कुछ मैंने ट्यूशन की फीस बच्चे देखे हैं, ये तो सर स्कूल की बात ठीक है, पर कुछ कुछ के पेरेंट्स तो इतनी लापरवाही करते हैं ट्यूशन फीस में। अगर मान लो 13 तारीख की डेट होगी तो मजाल उनके 17, 18, 20 जब तक बोलेंगे नहीं 10, 20 बार तब तक कहाँ से देंगे वो। तो इसलिए भाई काफ़ी बढ़िया, ठीक है, अपने पापा मम्मी को दिखाना ये देखो कितनी बढ़िया काम किया उन्होंने राम कली ने अपनी बेटी के लिए पैसे वगैरह करके। तो ऐसे ही जो है अपने ट्यूशन फीस में भी टाइम पे देनी चाहिए। नेक्स्ट 31, लास्ट 20 क्वेश्चन बचे, 31 ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो। फाइंड विच टर्म ऑफ इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका 53 आया, फिर 48 आया, फिर 43, कम होता जा रहा है ना, जाहिर सी बात है आगे आगे जाके माइनस में भी आना शुरू हो जाएगा। तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ये कैसे करते हैं आप आज सीख के जरूर जाना, ठीक है। तो पहले देखो सिंपल बात, सारी ए पी होगी, ए दे रखा कितना 53, डी दे रखा 48 में से 53 गया कितना आ गया आपका माइनस का 5, आपको जो है डी दे रखा है, ठीक है। और कौन सा टर्म नेगेटिव, मतलब ए एन कब नेगेटिव होगा, ए एन कब जीरो छोटा होगा, मतलब ए प्लस में एन माइनस वन डी कब आपका जीरो छोटा होगा, ठीक है। 53 प्लस में एन माइनस वन डी कितना है माइनस का 5, कब आपका छोटा होगा, ठीक है। 5n प्लस में 5 कब जीरो छोटा होगा, तो 58 माइनस है 5n कब जीरो छोटा होगा, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का 5n इज माइनस का 58 कब छोटा होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब मैं यहाँ माइनस से माइनस छोड़ाऊंगा ना तो मुझे यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन भी बदलना पड़ेगा, क्यों सुनो समझो ध्यान से। मैंने कहा माइनस 4 है बड़ा है माइनस 3, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं माइनस से माइनस उड़ा दूं तो क्या अभी ठीक है, अब ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब भी माइनस से माइनस उड़ाते हैं हमें इनक्वालिटी के साइन को चेंज करना पड़ता है। अगर ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो मतलब एन कितना गया, एन इज ग्रेटर देन 58 अपॉन पे 5, तो एन जो है बड़ा होना चाहिए कब, किससे, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 31 11.6 से एन बड़ा हो, तो एन क्या होता है आपके पास एक नेचुरल नंबर होता है, तो 11.6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है 12, तो इनका वाला अगर एन के लिए 12 होगी तो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकल गया था। तो 12 टर्म जो है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आप पूछो नेगेटिव निकालो तो ए 12 निकाल देने का, ए प्लस में 11 डी, ठीक है। नेक्स्ट 32 ये आपके स्क्रीन के ऊपर को। इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 7 एंड सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज माइनस 3, फाइंड द 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म और एट टर्म, तो ए 3 प्लस में ए 8 जो है वो 7 दे रखा है, मतलब ए प्लस में 2d और ए 8 का मतलब ए प्लस में 7d, ये आपका 7 के बराबर दे रखा है, तो 2a प्लस में 9d जो है वो 7 के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है सम ऑफ 7 टर्म, ए 7 प्लस 14 टर्म माइनस 3 दे रखा है, ए 7 मतलब ए प्लस में 6d, ए 14 कितना हो गया, ए प्लस में 13d जो है आपका माइनस 3 दे रखा है, मतलब 2a प्लस में 6 और 3 9 19 प्लस में 19d जो है वो आपका 3 माइनस 3 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को साथ साथ रख के हम लोग जो सॉल्व कर देंगे, काम खत्म, लाइन खींचो है ना, तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। 9 में से 19 गया तो माइनस का 10d इक्वल टू 10 आ गया, d आपका माइनस का 1 आ गया। अगर d माइनस का 1 है तो पुट करो पहले वाले में, ठीक है, 7 प्लस में 9
7 × 16 ए आपका 8 निकल के आ गया। 10 टर्म निकालना है, ए 10 कितना हो गया, ए प्लस पे 9 डी, ए कितना है 8, डी कितना है -1, 8 - 9 -1, 10 टर्म जो है आपका -1 होगा, 10th टर्म जो है आपका वो -1 निकल के आने वाला है। ठीक है, पानी पी लेते हैं। टेन टर्म जो -1, आंसर चेक कर लें, आंसर चेक करना बहुत जरूरी है यार। यस -1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 33 ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो। इफ द nth टर्म ऑफ 2ap आर सेम, दोनों का nth टर्म सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा एक बात होता है, ये ap1 ap2 है, इसका nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो a प्लस पे n -1 d कितना हो गया -2 हो जाएगा, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस पे n -1 d कितना हो गया -3 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस में 2n प्लस में 2 इज इक्वल टू 24 माइनस में 3n प्लस में 3 निकल के आ गया। ठीक है, 9 तो 11 माइनस 2n प्लस में 11 इक्वल टू 27 माइनस में 3n। ठीक है, तो ओ चलो कोई नहीं, माइनस 2n प्लस में 3n इक्वल कितना हो गया, 27 माइनस में 11 हो जाएगा, n इक्वल टू 16, तो 16 टर्म n की जो वैल्यू कितनी आएगी, 16 निकल के आएगी। आंसर चेक करते चलेंगे हम लोग, n जो है 16 निकल के आ गया। ठीक है, ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, वो टर्म भी निकालना है, तो a 16 में निकाल दो, a प्लस 11d, a प्लस में 11d, a कितना अपने पास 9, डी कितना अपने पास -2, 9 माइनस 22 माइनस का कितना आएगा, 13 माइनस का 13 इज द राइट 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 दिमाग देखो मेरा, 16 टर्म बोला मैं, 11 निकल के बैठूंगा, ए प्लस में 15d होगा ना भाई, ए कितना है 9, डी कितना है -21। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, एपी में दे रखे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए बी एंड सी आर दी एंगल्स। ठीक है, ए पी में दे रखे हैं, द ग्रेट, मान लो ए सबसे छोटा है और सी सबसे बड़ा है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, द ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस द लीस्ट है। पहली चीज फाइंड द एंगल्स, एंगल निकालना। ठीक है, जब तीन नंबर ए पी में हो तो ए प्लस सी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी के बराबर भी होता है, ये भी पता है। टू, तीनों नंबर को जोड़ना 180 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 180। ठीक है, अब देखो क्या जादू कर रहा है, पर सी की जगह 2a कर दो, a प्लस में b कितना है, b को b रहने दो, c को 2a कर दो, इक्वल टू 180 आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम करना यार, एक काम, a प्लस सी 2b है ना, तो 2b प्लस में b कितना 180 हो जाएगा, 3b कितना हो गया 180 हो जाएगा, बी तो आपका 60 डिग्री निकल के आ गया, बी कितना आ गया 60 आ गया, 60 आ गया। अब ए प्लस सी जो है ट्वाइस ऑफ बी के बराबर है, 120 हो जाएगा, सी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए के बराबर है, तो 120 हो गया, तो 3a जो है आपका 120 हो गया, तो आपका ए कितना हो गया, ए आपका 40 डिग्री आ गया। वेरी नाइस, ठीक है, अब सी निकालना है, सी कितना है ट्वाइस ऑफ ए है 80 डिग्री, तो तीन एंगल ए बी में कौन कौन से थे, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री,
ये तीनों एंगल आपके इस तरीके से एबी में हो जाएंगे। नेक्स्ट 35 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, स्प्लिट 207 इनटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन एपी। 207 को तीन भागों में बांटो, एक काम कर, 207 को तीन भाग में बांटना है। जब भी आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हमेशा एपी ऐसे मानना, ए माइनस में डी और ए और ए प्लस डी। मान लो ये तीन भाग मेरे इस तरीके से हुए, इनको जोड़ने पर कितना है 207 निकल के आएगा ऑफकोर्स। तो ए माइनस डी प्लस में ए प्लस में ए प्लस डी जो है आपका वो 207 निकल के आएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब आपका डी से डी खत्म, तो 3A जो है वो 207 निकल के आ गया। ए कितना आ गया, तो 3 6 18 3 9 27, तो ए जो है आप लोगों का 69 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, दो छोटे पार्ट्स का, मतलब इन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस डी जो है आपका वो देगा 4 6 2 3, ठीक है। तो ए तो आपका 69 मल्टीप्लाई ए माइनस डी जो है वो हो गया 4 6 2 3 अपॉन पे 69। तो उसको डिवाइड करता हूँ मैं, उसको डिवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। तो 4 6 2 3 डिवाइड बाय 69, 67 आता है। तो a माइनस डी जो है वो आपका 67 निकल के आ गया, ठीक है। a 69 है, पुट कर दिया मैंने, d को 67 हो गया, तो 69 माइनस में 67 जो है d के बराबर आ गया, तो d जो है वो 2 निकल के आ गया। अब a भी दे रखा, d भी दे रखा है, ठीक है। अब पार्ट्स निकाल तीनों, तो खत्म। पहला पार्ट क्या था, a माइनस डी, तो 69 माइनस में 2 कितना आ गया, 67 निकल के पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या था, a था, a आपका खुद ही 69 है। और तीसरा पार्ट जो क्या था, a प्लस डी था, तो 69 प्लस 71, पार्ट क्या क्या हो गए, 67 69 और 71, ये आपके तीन पार्ट्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 36। ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो, कह रहा अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए, ओके ओके ओके, और एज शोन इन फिगर, फिगर हमें बनाने रखा। What figure is the total length of such spiral made up of 30 consecutive semicircles? देखो डायग्राम ऐसे बना नहीं है, मतलब यहाँ पर होना चाहिए था, बट मैं आपको बता दूँ कैसे है, ठीक है। एक लाइन है मान लो इस तरीके से, तो आपका स्पायरल कुछ ऐसे है, ये सेंटर मान लो, यहाँ शुरू हुआ ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 इसमें सर्कल समझ रहे हैं, ऐसे घूमता जा रहे हैं, घूमता जा रहे हैं, 13 चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बताओ, एक बताओ, ये आपका कितना होगा, पाई आर, फिर ये पाई आर, ये आर बदलता जा रहा है, तो कैसे भी बनेगी, एपी की बात करें तो, सम की बात करें तो, पाई इंटू आर कितना 0.5 प्लस में, पाई इंटू आर 1 हो गया प्लस में, पाई इंटू पर आर 15 1.5, ऐसे 13 तक जाएगा। पाई कौन कर लूँ, 0.5 प्लस 1 प्लस में 1.5 कहाँ तक जाएगा, 13 तक जाएगा। ये एपी है, ये निकालना पड़ेगा आपको, जहाँ पर ए आपको दे रखा कितना 0.5, डी भी आपको 0.5 दे रखा है, एन आपको 13 दे रखा है, आपको क्या निकालना, एसएन निकालना है, एसएन निकालना है। तो एसएन क्या होता है, एस 13, तो 13 अपॉन पे 2 2 ए, ए का डबल 1 आ गया प्लस में एन माइनस 1 12 इंटू डी कितना 0.5 हो गया, ठीक है। तो 13 अपॉन पे 2 और 1 प्लस 12 पंच 60 प्लस 6, तो 7 आ गया। तो हो गया 13 अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, 7 एकम 7 8 9 91 अपॉन 2, ये आपका एसएन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पाई 22 अपॉन पे 7 होता है, इनटू पर 91 अपॉन पे 2 निकल के आ गया, तो 9 7 1 7, 7 3 21 और 2 से काटो 11, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 13 आंसर होगा, तो 143, तो 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ, 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल। क्लियर आता है, कौन सा कैसे करना, मतलब भाई सिंपल रहता है, पाई आर आपका 0.5, फिर पाई आर 1 देगा, फिर पाई आर, ऐसे करके आपको सारी चीज़ें करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ये ना फाइंड 20 टर्म ऑफ एन एपी, ए 20 निकालना है, ठीक है। क्या होगा, हुज 7 टर्म इज 24 लेस देन द 11 टर्म, हुज 7 टर्म इज 24 लेस देन द 11 टर्म, ए प्लस 6d इज इक्वल टू ए प्लस में 10d माइनस में 24 आ गया, ए से खत्म हो गया, ठीक है। तो 6d माइनस में 10d कितना आ गया, माइनस का 24,
माइनस फोर डी जो है माइनस का 24 आ गया और डी जो है 4 से 24 6 निकल के आ गया। और ए दे रखा है कितना है फर्स्ट टर्म 12 दे रखा है, ए आपको 12 दिया हुआ है। ए 20 निकालना, ए 20 क्या होगा ए प्लस पे 19 डी हो जाएगा, ए हमारे पास है 12 प्लस 19 डी कितना है 6 है, 6 9 जो 54 6 कम 6 5 11 114 तो हो जाएगा 126 126 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या बोला क्वेश्चन, 7 टर्म जो है वो 24 कम है 11 टर्म से है ना, तो a प्लस 6d हो गया 10d माइनस 20 बिल्कुल ठीक है और माइनस का 4d आपका आ जाएगा ठीक है बिल्कुल सही है और फर्स्ट टर्म 12 दे रखा था, कोई 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 कुछ गलत नहीं है सब कुछ बढ़िया चंगा एकदम मस्त। 38 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी n एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा अच्छा अगर एस एम दे रखा है आपको एन और एस एम दे रखा है एम, ये शो करना है बाप रे क्या क्वेश्चन है बाबा बा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म एस एम जो है वो एन दे रखा है ठीक है, एस एम कितना हो गया एम अपॉन पे टू और टू ए प्लस में एक कम डी एम माइनस वन इंटू डी ये आपको एन दे रखा है ठीक है, तो m मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस पे एम डी माइनस में d इज इक्वल टू 2n निकल के आ गया ठीक है, तो 2am प्लस में m स्क्वायर d माइनस में एम डी जो है वो आपका 2n के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ठीक है। Sn जो है वो आपको m दे रखा है मतलब n अपॉन पे 2a प्लस पे एक कम d n माइनस वन इंटू डी ये आपको m के बराबर दे रखा है। क्या क्वेश्चन पूछा है मजा आ गया आज तो n मल्टीप्लाई कितना हो गया 2a प्लस पे एन डी माइनस में d इक्वल टू 2m निकल के आ गया ठीक है, ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर लिखा ठीक है, तो 2an प्लस में n स्क्वायर d माइनस में एन डी इक्वल टू हो गया 2m इक्वेशन सेकेंड, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस ठीक है ये खत्म नहीं कुछ नहीं खत्म, तो 2a तो 2am माइनस में 2an आ गया प्लस में m स्क्वायर d माइनस में n स्क्वायर d आ गया ठीक है माइनस में md प्लस पे nd ठीक है 2n माइनस में 2m 2a कॉमन कर लो m माइनस में n निकल के आ गया प्लस में d कॉमन कर लो तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है ना तो प्लस माइनस माइनस में d कॉमन कर लो तो m माइनस में इक्वल टू 2 कॉमन कर लो माइनस 2 कॉमन कर लो तो m माइनस में ठीक है। अब m माइनस n काट रहा हूँ मैं m माइनस 1 से m माइनस 1 खत्म ये खत्म और ये खत्म कितना बचा 2a प्लस पे d इंटू एम प्लस में एन माइनस में डी इक्वल टू माइनस का टू ठीक है, तो टू ए प्लस पे एम प्लस में एन माइनस वन टू डी डी कौन कर लिया माइनस का टू ये हमें दे रखा है, हम यहाँ पहुँचे रिजल्ट पे ठीक है इसको छोड़ दो यहीं पर, हम इस रिजल्ट पहुँचे इसको यहीं पर छोड़ देते हैं क्या बनेगा आगे देखते हैं ठीक है, इसको ही छोड़ दो और एच इसको चल भैया चल 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 और ये 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 बिना छूते हुए जा रहे हैं लाइन को ये चलो ये रिजल्ट आ गया। आप क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा नेक्स्ट कहता है कि शो दैट सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म एम प्लस एन अब ये कितना होगा भाई एन अपॉन पे टू टू ए प्लस पे एक कम डी ये आपको दे रखा है ठीक है ये प्रूफ करना है, तो m प्लस में n अपॉन में टू अभी इसकी वैल्यू जो अभी निकाली माइनस टू है माइनस वन तो माइनस में m प्लस में n और ये हो गया अपने पास हैंस प्रूफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हैंस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट 39 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन ap सम s ओके सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन ap इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म मतलब sp जो है आपका sq के बराबर है देन शो दैट सम ऑफ फर्स्ट p sp प्लस q जो है आपको जीरो के बराबर शो करना है, अभी शो करते फटाफट से sp कितना हो गया
पी अपॉन पे टू है ना, और टू ए प्लस में एक माइनस इंटू डी होता है, ठीक है, और ये कितना हो गया क्यू अपॉन पे टू, और अगर टू ए प्लस में एक कम डी, क्यू माइनस वन इंटू डी निकल के आ गया, ठीक है, तो टू ए पी प्लस में कितना होगा, एक काम करो पहले मल्टीप्लाई कर दो, इतना फल दिमाग लाने की दुनिया है, पी मल्टीप्लाई टू ए प्लस में पी डी माइनस में डी निकल के आ गया, ठीक है, क्यू हो गया, यहाँ पर सेम काम करो टू ए प्लस में क्यू डी माइनस में डी निकल के आ गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो टू ए पी प्लस में पी स्क्वायर डी माइनस में पी डी, ठीक है, इज इक्वल टू टू ए क्यू और माइनस में सॉरी प्लस में क्यू स्क्वायर डी माइनस में क्यू डी इक्वल कुछ नहीं, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ मैं, तो टू ए पी माइनस में टू ए क्यू प्लस में पी स्क्वायर डी माइनस में क्यू स्क्वायर डी माइनस में पी डी माइनस में क्यू डी जो है आपका जीरो के बराबर निकल के आ गया, टू ए कॉमन कर लो तो पी माइनस में क्यू निकल के आ गया, प्लस में डी कॉमन कर लो, अगर पिछले तरफ एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में लिखोगे, माइनस डी कॉमन कर लो तो पी माइनस में क्यू निकल के आ गया इक्वल जीरो, अब पी माइनस क्यू जो है मैं लेके कॉमन काट रहा हूँ, पी माइनस क्यू खत्म, क्या बचा टू ए प्लस में पी प्लस में क्यू माइनस वन डी कॉमन कर लिया मैंने एक तरफ इक्वल जीरो, यहाँ पहुँचे इस नतीजे पर पहुँचे, इसका क्या इस्तेमाल अभी पता चलेगा, इसका जीरो प्रूफ करना है, ये क्या होता है, तो हो जाएगा एस पी प्लस क्यू हमारा पास जाएगा पी प्लस में क्यू अपॉन पे टू है ना, और टू ए प्लस में एक कम पी प्लस क्यू माइनस वन टू डी, अभी ये वाली कितनी है जीरो है, तो पी प्लस क्यू अपॉन टू मतलब जीरो, सारा का जीरो, तो एस पी प्लस क्यू कितना होगा, सारा जीरो निकल के आएगा, क्या आएगा सब कुछ आपका जीरो हो जाएगा, तो 39 का आंसर कितना, हैंस प्रूफ जीरो प्रूफ कर रहा था, जीरो हमने प्रूफ कर दिया, नेक्स्ट 40 ईयर आपके स्किन के ऊपर फास्ट, देखो जल्दी आंसर, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म और सम एन टर्म, एस एम अपॉन पे एस एन जो है वो दिया हुआ है एम स्क्वायर अपॉन पे एन स्क्वायर, ठीक है, देन शो दैट इट्स एम टर्म, तो हमें क्या शो करना है कि ए एम अपॉन पे ए एन जो है वो आपके कितना आ गया टू एम माइनस वन अपॉन पे टू एन माइनस वन, बहुत ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी एमसीयू कराया था ना मैंने कि सम ऑफ टर्म दे रखा हो तो उसका एन टर्म का रेशियो क्या, ट्रिक बताई थी मैंने, याद है आपको, सेम ऐसे क्वेश्चन है, तो ट्रिक से नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो प्रॉपर करना पड़ेगा, एस एम क्या होगा एम अपॉन पे टू टू ए, ठीक है, प्लस में एम माइनस वन इंटू डी, एक कम डी होता है अपॉन पे, एन अपॉन पे टू नहीं चलेगा, और टू ए प्लस में एक कम डी एम स्क्वायर अपॉन पे एन स्क्वायर, ठीक है, इससे खत्म हो गया, एम से स्क्वायर गया और एन से भी स्क्वायर गया, तो टू ए प्लस पे एम माइनस वन डी डिवाइड बाय टू ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी एम अपॉन पे एन निकल के आ गया, अब ध्यान सुनना, अब मुझे ए एम टर्म, अच्छा ए एम टर्म क्या होता है, ए एम टर्म का मतलब ये होता है भाई ए प्लस पे एम माइनस वन टू डी, और ये तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमें प्रूफ करना कितना टू एम माइनस वन अपॉन पे टू एन माइनस वन, ये हमें प्रूफ करना है, तो मुझे यहाँ से इस वाले कैटेगरी से यहाँ से मुझे इस वाले पे कन्वर्ट करना है, खुद दिमाग लगाओ, टू कॉमन करना पड़ेगा और ये एज इट इज रहना चाहिए, अब टू कॉमन और एज इट इज रहने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि एम माइनस वन की जगह में डबल 2m माइनस टू पुट कर दो, बोलो हाँ या ना, बोलो मैं सब्सटीट्यूट कर दू m माइनस वन की जगह 2m माइनस टू तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं क्या करूंगा m माइनस वन देखना, तो m की जगह पुट करना पड़ेगा 2m माइनस में 2 प्लस में 1, तो m की जगह मैं पुट कर दूंगा 2m माइनस 1, तो m की जगह मुझे 2m माइनस 1 पुट करना पड़ेगा तब जाके जो है मेरा काम बन जाएगा, सेम फॉर n भी मुझे 2n माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया एक बार पीछे वीडियो को फिर से करके सुनने की कोशिश करना कि मैंने क्यों बोला क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, ओके, अब तो पुट करो भाई फटाफट से यहाँ पर आ जाओ, तो 2a प्लस में m की जगह 2m माइनस 1 फिर माइनस 1 इंटू डी 2n माइनस 1 माइनस 1 डी, तो ऐसे कौन सब्सटीट्यूट करके करते हैं, तो m की जगह 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, ठीक है, तो टू कॉमन कर लूँ मैं सारा, तो कितना आ गया ए प्लस पे एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू इंटू पर ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन पे टू एन माइनस वन, इसे खत्म,
तो हैंड्स प्रूफ हो गया, ये आपका एम टर्म है, ये आपका एन टर्म है, तो ये हैंड्स प्रूफ निकल के आ चुका। लास्ट 10 क्वेश्चन 42, 41 ईयर आपके स्क्रीन ऊपर गो। द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। 11 टर्म का रेशियो, द रेशियो 11 टर्म टू द 18 टर्म की तरह 2:3 दे रखा है, ठीक है। मतलब ए प्लस में 10d जो अपॉन पे ए प्लस पे 1917 आएगा, ए प्लस में 17d जो है आपको 2/3 दे रखा है, क्रॉस करो तो 3a प्लस में 30d इज इक्वल टू 2a प्लस में 34d, ठीक है। तो 3a माइनस में 2a इक्वल होगा 34d माइनस में 30d, ठीक है। तो a इक्वल टू 4d निकल के आ गया पहले क्वेश्चन। तो पहला जो डाटा दे रखा तो सबने निकाल लिया, a जो है वो 4 गुना d के। फिर आई कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म और 21st टर्म, ये निकालना है। तो a प्लस में 4d अपॉन a प्लस में 20d, ये हमें निकालना है, ठीक है। a कितना है 4d प्लस में 4d, 4d प्लस में 20d, तो 8d अपॉन में 24d, 8 × 24 1/3, तो a 5 रेशियो 8:1 कितना आ गया 1:3 निकल के आ गया, सिंपल है। ऑल्सो फाइनल सम ऑफ 5th टर्म टू द सम, ये आपका होमवर्क है, आपको करके मुझे सेंड करना है, कहाँ पर आपका इंस्टाग्राम पे कर सकते हो फिर टेलीग्राम पे कर सकते हो। आपको सम ऑफ 5th टर्म S5 और S21 हमें निकाल के बताना कितना निकल के आएगा, और ये सभी आपको जो है इसका आंसर निकाल के मुझे बताना। नेक्स्ट 42 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो। करेक्ट द सम ऑफ n टर्म 2n और sn दे रखा आपको S1 S2 S3, देन प्रूव दैट S2 इज इक्वल टू 3 × S2 माइनस में S1 पे प्रूफ करना, ठीक है। S1 दे रखा n, S2 दे रखा 2n, S3 दे रखा 3n, ओके ठीक है। ऑफ एन AP, एक ही AP है, ओके ठीक है। सुनना अच्छा, S1 कितना होगा, S1 होगा n दे रखा ना S1, तो n अपॉन पे 2 2a प्लस पे n माइनस 1 d, ये आपका S1 है। S2 कितना होगा 2n है, तो 2n अपॉन पे 2 2a प्लस पे 2n माइनस 1 d, और S3 कितना आ गया 3n है, 3n अपॉन पे 2 2a प्लस पे 3n माइनस 1 d निकल गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है S3 जो है S2 माइनस S1 का ट्राइस है। तो एक काम करते हैं S2 माइनस में S1 लेते हैं, S2 कितना है 2n/2, ओके एक काम करो, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 2a प्लस में 2nd माइनस में d निकल के आ गया, ठीक है। माइनस में S1 कितना है n/2 और 2a प्लस पे nd माइनस में d निकल के आ गया, ठीक है। तो n/2 कॉमन कर लेते हैं, 4a प्लस में 4nd माइनस में 2d माइनस का 2a माइनस में nd प्लस पे d, ऐसे आएगा ये, है ना। तो s2 माइनस में s1 कितना आ गया, तो हो गया n/2, ठीक है। 4a में से 2a गया तो 2a बचेगा प्लस में 4nd माइनस में 3nd माइनस में d, ठीक है। तो n/2 2a प्लस पे 3n माइनस 1d, ये आ गया आपका s2 माइनस में s1। अच्छा अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से करना पड़ेगा, तो 3 × s2 माइनस s1 क्या आ गया 3n/2 2 प्लस पे 3n माइनस 1d, जो कि आपका s3 के बराबर ही है, ठीक है। नेक्स्ट 43 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी जितना 1/2 3n का स्क्वायर प्लस, ये आपका ऐसा देखा है, फाइंड इट्स n टर्म एंड हेंस राइट 20, n टर्म निकालना, an निकाला 20 निकालना, ठीक है an निकालना, चेक करते हैं। तो आपको 1 निकालना पड़ेगा, तो s1 कितना आ गया 1/2 3 प्लस में 7, तो 10/5 निकल के, फर्स्ट टर्म कुछ होता नहीं, a फर्स्ट टर्म s1 होता है, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब s2 की बात करते हैं, तो 1/2
थ्री इंटू का स्क्वायर फोर हो गया, प्लस में सेवन इंटू वन इंटू टू, ठीक है, जगह वन अपॉन टू, चार थी बारह, सात उन्नीस चौदह, थर्टीन आ गया। एक बार चेक कर लो भाई, गड़बड़ बहुत हो जाती है। टू का स्क्वायर फोर चाहती है, बारह सात उन्नीस चौदह, ठीक है, आए अच्छा ठीक है ठीक है। एस टू, अब एस टू मतलब क्या होता है, एस टू होता है ए वन प्लस ए टू, आपको थर्टीन दे रखा है, ए वन कितना फाइव प्लस में ए टू आपका थर्टीन हो गया, तो ए टू की बात करें आपका एट निकल के आ गया। अब ए टू एट है और आपका ए सिक्स है, तो डी कितना आ गया, सॉरी डी एट थ्री निकल के आ गया, डी आपका थ्री निकल के आ गया। अब ए एन कितना हो गया, ए एन क्या होता है, वो होता है ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए फाइव है प्लस में एन कितना है, एन नहीं पता, डी कितना है, डी आपका थ्री है, तो फाइव प्लस में थ्री एन माइनस में थ्री, तो थ्री एन प्लस टू, तो ए एन जो है आपका वो थ्री एन प्लस में टू निकल के आ गया। कह रहा है इसने फर्दर फाइंड ट्वेंटी टर्म, मतलब ए ट्वेंटी निकालना है, कितना आ गया थ्री मंडल एन जगह ट्वेंटी पुट कर देंगे, प्लस में टू हो जाएगा, तो सिक्सटी प्लस टू सिक्सटी टू इज योर ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टर्म इज सिक्सटी टू। नेक्स्ट चलते हैं फोर्टी फोर, ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन ए पी इज 48, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड्स फोर टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12, फाइंड द ए पी। जब कभी भी ए पी में तीन नंबर मानने हो, तो मैंने आपको पीछे बताया था कैसे मानोगे, लेट द नंबर आर, ठीक है, क्या बोलोगे ए पी कैसे होगी अपने पास, वो होगी ए माइनस डी, ठीक है, और ए होगी और ए प्लस डी होगी, ये ए पी होगी। सम दे रखा है 48, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी प्लस में ए प्लस डी जो है आपको 48 दे रखा है, ठीक है, ये खत्म हो गया, डी से डी खत्म, तो 3a 48 हो गया और a जो है आपका वो 16 निकल के आ गया, ठीक है। आगे ही बोला इसने, एंड सेकंड टर्म एक्सीड्स फोर टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट जो है एक्सीड्स थर्ड टर्म फोर टाइम्स थर्ड टर्म बाय 12, तो ए स्क्वायर माइनस में ए डी इज इक्वल टू फोर ए प्लस में फोर डी प्लस में बारह, सोलह का स्क्वायर दो छप्पन, सोलह डी इक्वल टू हो जाएगा सोलह चौक चौंसठ प्लस में फोर डी प्लस में बारह, तो कितना आएगा माइनस सिक्सटीन डी माइनस है फोर डी इक्वल टू कितना चार दो छः छः, माइनस का ट्वेंटी डी इज इक्वल टू जीरो, पच्चीस में सात गया अट्ठारह, डी नाइन निकल के आ गया। तो चेक करो फिर से, रुको मैं कैलकुलेटर चेक कर लेता फटाफट से, सेवेंटी सिक्स माइनस में टू फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाय ट्वेंटी, ठीक है नाइन आएगा, ए डी नाइन आ गया, ए सिक्सटीन हो गया, नंबर निकालने आपको ए पी निकालना था, तो ए माइनस डी कितना आ गया 16 माइनस नाइन कितना आ गया 7, ए कितना आ गया 16 और ए प्लस डी कितना आ गया 16 प्लस 7, फिर 9 डी 9 दे रखा कितना 16 25 निकल के आ गया, तो तीन नंबर कैसे बने आपके एपी में हो जाएगा आपका 7 कॉमा 16 कॉमा 25, ये आपके तीन नंबर एपी में निकल के आ जाएंगे, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं, एक मिनट जो मैं कुछ एक मिनट है ना जस्ट अ सेकेंड, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ एम टाइम्स द एम टर्म, एम टाइम्स द एम टर्म ऑफ एन इक्वल टू एन टाइम्स द एन टर्म, देन शो दैट एम प्लस एन टर्म इज जीरो, देन शो दैट ए एम प्लस में एन जो है आपको जीरो दिखाना है, ठीक है। एम टा ए एम कितना हो गया, ए प्लस पे एम माइनस वन मतलब डी हो जाएगा इक्वल टू एन इन टू पर कितना हो गया, ए प्लस पे एन माइनस वन डी हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा एम इन टू पर ए प्लस पे एम डी माइनस में डी निकल के आ गया इक्वल टू जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस पे एन डी माइनस में डी निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो ए एम प्लस पे एम स्क्वायर डी माइनस में एम डी जो है आपका वो ए एन प्लस पे एन स्क्वायर डी माइनस में एन डी निकल, ऐसा तीन चार क्वेश्चन रखे ताकि आपको दिक्कत ना आएगा अभी भी, तो ए एम माइनस में ए एन प्लस पे एम स्क्वायर डी माइनस में एन स्क्वायर डी माइनस में एम डी प्लस में एन डी जो है आपका जीरो निकल के बराबर आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए कॉमन करेंगे तो एम माइनस वन आ गया एम माइनस वन, प्लस में डी कॉमन करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में निकल के आ गया,
माइनस का डी कॉमन करेंगे तो एम माइनस वन एन आगे इक्वल जीरो। अब एन माइनस वन जो है मैं तीन जो कॉमन काट रहा हूँ तो ए प्लस में एम प्लस में एन माइनस वन डी, डी कॉमन कर लिया मैंने, ये आपका जीरो के बराबर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द शो दैट ए एम जीरो होना चाहिए, मतलब ए प्लस पे एम प्लस पे एन माइनस वन जो है आपका जीरो के बराबर होना चाहिए, डी जीरो। तो यही तो हमारा है, देखो आंसर प्रूव हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे मैंने तीन चार प्रकार क्वेश्चन लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट 46 ईयर आपके इसके ऊपर है। इन द गिवन ए पी पी टर्म इज क्यू, क्यू टर्म इज पी, देन शो दैट एन टर्म इज इतना। ओके कह रहा पी टर्म जो है आपको क्यू दे रखा है और क्यू टर्म जो है आपको पी दे रखा है, मतलब ए प्लस में एक कम डी, पी माइनस वन डी कितना क्यू के बराबर दे रखा है ना, तो मतलब ए प्लस में पी डी माइनस में डी जो है आपका क्यू के बराबर इक्वेशन में फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ए क्यू पी है, मतलब ए प्लस पे q माइनस वन इंटू डी जो है आपका वो q के बराबर होगा, मतलब a प्लस में क्यू डी माइनस में d जो है आपका वो p के बराबर होगा, p के बराबर होगा, ठीक है। सुंदर लाइन खींचोगे यहां पर, ओके माइनस माइनस प्लस माइनस ये खत्म, तो पी डी माइनस में क्यू डी, डी से डी खत्म, इक्वल टू हो जाएगा q माइनस p निकल के आ गया, ठीक है। P माइनस क्यू हो जाएगा कॉमन, D लेंगे तो माइनस में P माइनस में क्यू से खत्म, तो D जो है आपका माइनस का वन निकल के आ गया, D माइनस का वन यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर इस पे पुट कर दो, ठीक है। तो A प्लस में Q माइनस वन जो है आपका माइनस वन के बराबर होगा, इक्वल P हो जाएगा, तो A कितना आ गया, A हो गया, तो A माइनस में Q प्लस में वन इक्वल P आ जाएगा, तो a जो है आपका p प्लस में q माइनस वन निकल के आ गया। अब n टर्म शो करना है, an क्या होगा, वो होगा a प्लस पे n माइनस वन d हो जाएगा, a कितना है a प्लस p प्लस में q माइनस वन प्लस में n माइनस वन d कितना है, d आपका माइनस का वन दे रखा है, तो p प्लस में q माइनस में वन माइनस में n प्लस में वन ऐसे खत्म हो गया, तो an कितना आ गया आपका p प्लस में q माइनस में n निकल के आ गया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हो गया आपका हैंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट 47, इफ m टर्म ऑफ एन ए पी इज 1 अपॉन n, अगर m टर्म जो है आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है, a n दे रखा, मतलब a प्लस पे m माइनस वन मल्टीप्लाई डी जो है आपका वो 1 अपॉन पे n दे रखा इक्वेशन, अभी नहीं, a प्लस पे एम डी माइनस में d जो है आपका 1 अपॉन n इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। n टर्म ए एन दे रखा आपको 1 अपॉन पे m, तो हो जाएगा ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी जो है आपका 1 अपॉन m के बराबर निकल के आ गया, मतलब ए प्लस पे एन डी माइनस में डी जो है वो 1 अपॉन m इक्वेशन नंबर 2, ये आपका हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है, ओके। माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो गया, ये खत्म, तो एम डी माइनस में एन डी ये खत्म, इक्वल टू 1 अपॉन पे n माइनस 1 अपॉन पे m हो गया, मतलब m d कॉमन कर लो, m माइनस में n इक्वल हो जाएगा हमारे पास m माइनस में n अपॉन पे mn हो जाएगा, ठीक है, इससे खत्म हो गया, तो d कितना आ गया 1 अपॉन पे mn जो है आपका d निकल के आ गया, d कितना 1 अपॉन mn, पुट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, a प्लस पे m माइनस 1 d, d जो है आपका 1 अपॉन पे mn हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। ओपन कर रहा हूं मैं, a प्लस पे m अपॉन पे mn माइनस पे 1 अपॉन पे mn इक्वल टू 1 अपॉन n होगा, ठीक है, एम से वन अपॉन एन से वन अपॉन एन खत्म, ए जो है आपका वन अपॉन एम एन, ए भी वन अपॉन एम एन है और डी भी वन अपॉन एम एन है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ए और डी निकालना था हमने, ए और डी बड़े आराम से निकाल दिया, ठीक है, ए और डी पर चल गया। अब शो दैट एम एन टर्म, ए एम एन, ए एम एन जो है वन के बराबर प्रूफ करना, ठीक है, ए प्लस पे एम एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना, ये आपको वन के बराबर प्रूफ करना है, ए कितना वन अपॉन पे एम एन प्लस पे एम एन माइनस वन इंटू डी कितना हो गया वन अपॉन पे एम एन, तो वन अपॉन पे एम एन प्लस पे एम एन, एम एन से खत्म, वन माइनस वन अपॉन पे एम एन खत्म, तो ए एम एन जो है आपका वन ही निकल के आ गया, ठीक है। लास्ट के तीन क्वेश्चन 48 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी हूज कॉमन डिफरेंस इज 10, फाइंड द एंगल्स, कॉमन डिफरेंस 10 है, क्वाड्रिलेटरल है ना, चार होंगे, तो पहला x हो गया, हिंट भी दे रखा, सिंपल सी बात है, डिफरेंस है, दूसरा कितना होगा x प्लस में 10 हो गया और x प्लस में 20 हो गया
और एक्स प्लस में 30 हो गया, ठीक है, और इनका सम कितना होगा आपका 360 होगा, मतलब एक्स प्लस में एक्स प्लस 10 प्लस में एक्स प्लस में 20 प्लस में एक्स प्लस में 30, ये आपका 360 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो 4x प्लस में 30, 20 और 60 इक्वल टू 360 हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 300 हो गया, और x जो है आपका 75 आ गया, तो क्या हो गया इनका 75, 85, 95, 105, ये एंगल्स आ गए। मैं एक बार चेक करूं जोड़ के आ रहा कि नहीं आ रहा इनको, तो 75 प्लस में 85 प्लस में 95 प्लस में 105, यस 300 बिल्कुल ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 49, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, विच टर्म ऑफ एपी का कौन सा टर्म जो है 21वीं टर्म से 120 ज्यादा होगा, ठीक है, तो कौन सा टर्म जो है वो 21वीं टर्म से 120 ज्यादा होगा, नया ए एन निकल के आएगा उसके लिए भाई, 21वीं टर्म से 120 ज्यादा कोई दूसरा नया ए एन आएगा, मतलब ए प्लस पे एन माइनस वन मतलब डी जो है आपका वो कितना हो गया, ए प्लस में 20, डी जो है प्लस में 120, ठीक है। अब ए कितना 3 है, ऐसे खत्म हो गया, खैर छोड़ से, तो एन डी माइनस में डी जो है आपका वो 20, डी प्लस में 120 निकल गया। अब डी कितना है, डी आपके पास है 12, तो 12 एन माइनस में 12 इक्वल टू 12 दूनी 24, 240 प्लस में 120 निकल के आ गया, तो 12n जो है हमारे पास कितना हो गया 0, 6, 300 प्लस में 12, तो 12n कितना आ गया अपने पास 372, तो n जो है वो 372 अपॉन 12, ठीक है, तो 12 3 36 12 तो n जो है आपका 31 निकल के आ गया, तो 31st टर्म जो है वो 21वीं टर्म से 120 ज्यादा होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो ये है, अ थीफ रन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 100 मीटर पर मिनट, आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम, ही रन्स विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट सेम इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट इन एवरी सक्सेसिव मिनट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल पुलिसमैन कैच द थीफ, मान लो ठीक है, कितने मिनट बाद, मान लेते हैं एन मिनट बाद जो है चोर पकड़ा जाता है, ठीक है लेट थीफ कॉट आफ्टर एन मिनट, 3 एन मिनट तक भागता रहा, स्पीड कितनी है, स्पीड है थीफ की 100 मीटर पर मिनट, और वो ठीक है अगर कितना डिस्टेंस भागा थीफ तो हम क्या बोलेंगे, तो भाई सिंपल ही बात है, डिस्टेंस गुड क्या होता है, स्पीड गुड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टी इंटू एस, तो टाइम एन है, एन एस कितना 100 हो गया, तो डिस्टेंस जो है कितना चोर भागा अपने पास, चोर भागेगा 100 इतना डिस्टेंस कवर किया, बोलो हाँ है ना, तो 100 एन इज डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ। अब कह रहा आफ्टर एक मिनट बाद पुलिसमैन भागा टू थीफ को पकड़ने के लिए, ही रन्स विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, वो भी 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से भाग रहा है इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज बाय, अच्छा एक बात हो, अगर मैं पुलिस वाले मैन की डिस्टेंस की एपी बनाऊं कैसे बनेगा, पहले मिनट में 100 के हिसाब से भाग रहा, 100 इंटू 1 100 हो गया फर्स्ट एंड इंक्रीज 10 एवरी सेकंड, अब 10 बढ़ा दिया, दूसरे में 110 हुआ, दूसरे मिनट में कितना हो गया 110 हो जाएगा ना इनका, तो 110 हो गया, तीसरे में फिर 10 बढ़ेगा 120 हो गया, ऐसे स्पीड बढ़ा रहा है, कब तक गया, अब चोर अगर एन मिनट तक भागा है और पुलिस वाला एक कम भाई, अगर मान लो चोर जो है 20 मिनट भागा है तो पुलिस वाले ने एक मिनट बाद शुरू किया था, तो 19 होगा, तो यहाँ पर एक कम होगा, तो एन माइनस वन होगा, ठीक है, तो अगर मैं इसका सम निकालूँ तो इसके सम के बराबर आ जाएगा, सम निकालो, ए आपका 100 निकल के आ गया, डी आपका 10 निकल के आ गया, और एन जो है आपका एन माइनस वन है, एस एन निकालो कितना होगा, एस एन क्या होता है एन अपॉन पे 2 है ना, और 2a प्लस पे एन माइनस वन डी होता है, एन तो एन माइनस वन अपॉन 2 और 2a 200 प्लस पे एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 10 है, ठीक है, तो फाइनल एस एन कितना हो गया, एस एन आपका आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन पे 2 और 200 प्लस पे एन माइनस वन 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, तो एस एन आ गया एन माइनस वन अपॉन पे 2 200 प्लस में 10 एन माइनस में 20, ठीक है, ये सारी कहानी बिटा रहा हूँ,
ठीक है चलो, तो n माइनस वन अपॉन पे टू हो जाएगा आपके पास 180, 180 होगा, 180 प्लस में टेन, इसको मिटा दो अब, और यही सम आपका डिस्टेंस जो है किसके बराबर था, चोर 100 n के बराबर। तो n माइनस वन अपॉन बाई टू जो है 10 कॉमन कर लो, 18 प्लस में n जो है आपका 100 n के बराबर हो गया, ठीक है 10 से एक जीरो खत्म, तो हो गया n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n प्लस में 18 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 20 n निकल के आ गया, तो n स्क्वायर प्लस में 18 n माइनस में n माइनस में 18 इक्वल 20 n हो गया, ठीक है तो n स्क्वायर प्लस में 17 n माइनस 20 n माइनस में 18 इक्वल जीरो हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस में 3 n माइनस में 18 इक्वल जीरो हो जाएगा, 5 और 3 का 6 और 3 का बनेगा हिसाब किताब, तो n स्क्वायर माइनस में 6 n प्लस में 3 n माइनस का 18 इक्वल जीरो हो जाएगा, ठीक है तो n कॉमन कर लो, n माइनस में 6 आ जाएगा और प्लस में 3 कॉमन कर लो, n माइनस 6 निकलेगा इक्वल जीरो, ठीक है तो n जो है एक तरफ और n प्लस 3, अब n क्या अपने पास टाइम है, तो n 6 तो पॉसिबल है लेकिन 3 नेगेटिव नहीं हो सकता, n 6 है, कह रहा हाउ मेनी मिनट पुलिसमैन कब पकड़ेगा थीफ को, अब n क्या माना था, हमने माना था कि चोर जो है n मिनट बाद पकड़ा था, चोर 6 मिनट बाद पकड़ा गया है, तो पुलिसमैन 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद भागना शुरू किया था, तो पुलिस वाला एक्चुअली भागा कितना, 5 मिनट भागा, तो जो है प्ले आफ्टर जो है आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट जो है जो चोर पकड़ा जाएगा, बात समझ में आई या नहीं, तो n मिनट के बाद 5 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मस्ट डू 50 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सभी ने जो है डिफरेंट टाइप, वैसे ना एपी में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी भी एपी में बहुत बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि सर एपी इतना इनफ नहीं है, जैसे कुछ चैप्टर्स में ना 50 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि आपका चैप्टर 1 है 50 क्वेश्चन क्या लूंगा उसमें भाई, मुश्किल है, सिर्फ प्रूफ वाला क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल जिसमें 50 क्वेश्चन कैसे लिया जा सकता है, तो जो बड़ा चैप्टर है जैसे चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 4, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, तो अगर आप चाहते हो इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा और बना दूं 20-30 क्वेश्चन तो आप मुझे बताना, वैसे 50 इतना इनफ है, और इसके बाद नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर आप फर्स्ट टू 50 चाहते हो मुझे बताना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आएगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।